نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبكو और उम्मीद है आज आप बहुत खुश होंगे कि हम एक नई सूरत शुरू करने वाले हैं। हर सूरत ईमान वालों को खुशी देने वाली होती है। जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो मुनाफिकीन होते थे उनके तो दिल तंग होते थे, लेकिन जो ईमान वाले होते थे वो खुश होते थे कि अल्लाह ताला ने अब क्या फरमाया। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को हमारे लिए नाफ़े बना दे। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यूनुस शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको लास्ट सूरत की आखिरी आयत के बारे में बताना चाहूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ उस सूरत की आखिरी आयत के बारे में, हदीस के जो उसको 7 दफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। असल में लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं ये बात बताई क्योंकि ये हदीस बाज़ ने तो सही करार दिया और बाज़ ने कहा कि इसमें ज़ोफ है, वीकनेस है थोड़ी। तो वैसे तो इस आयत को देख के आपको जैसे कि पता चल रहा होगा कि जब बात आ जाती है ना कि अगर ये आपसे मुंह फेरते हैं, यानी ऐसे मुश्किल हालात हो जाते हैं, तो ऐ नबी आप ये फरमाइए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मुश्किलात में, परेशानियों में जब आपको कोई तंग करने वाला हो तो आप इस आयत को बार बार पढ़िए, क्योंकि वाकई जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है ना कि अल्लाह तू मेरे लिए काफी है, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए काफी हो जाता है।
तो आप पढ़ सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने पिछली दफा बताया भी था कि जब भी मुश्किलात हों, कोई ऐसी परेशानियां हों, आपके कामों में कोई रुकावटें हों, तो आप ज़रूर इस आयत को पढ़ें। आज जो हम सूरह शुरू कर रहे हैं, तो आप देखें कि उस वक़्त से हम मदनी सूरतें काफ़ी दिन हो गए कि हम मदनी सूरत में थे, तो अब हम मक्की सूरत में आ रहे हैं। और जैसा कि थोड़ा आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मक्की और मदनी सूरतों के जो टॉपिक्स हैं वो भी फ़र्क फ़र्क होते हैं, आयात का साइज़ भी, इसी तरह जो अल्फाज हैं उनको भी आप देखें तो वो भी मदनी सूरतों में थोड़े मुश्किल होते हैं, मक्की सूरतों में आसान होते हैं। तो आज जो हम सूरह शुरू कर रहे हैं, सूरह यूनुस, ये सूरत ये नहीं बता रही कि इसका टॉपिक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है या यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी है इसके अंदर। जैसे कि मैं पहले भी आपसे बयान कर चुकी हूँ कि जो सूरतों के नाम हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस सूरत का थीम भी है, मरकजी ख्याल भी है, ऐसा नहीं है। बात सूरतों का है भी, जैसे फॉर एग्जांपल सूरतुल क़यामा, तो सूरतुल क़यामा में सारा क़यामत का ही जिक्र है। लेकिन आप देख लें सूरतुल बकरा, उसमें बकरा का जिक्र तो बिल्कुल थोड़ा सा है एक जगह पे, बाकी सारी सूरत में तो नहीं है। तो इसी तरह सूरह यूनुस, इसमें यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र तो है मगर पूरी सूरत उनके बारे में नहीं है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी बाकी अंबिया की कौमों से यूनिक थी, इसलिए कि उनकी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा लेकिन उसको टाल दिया, जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ये आयत नंबर 98 में आप देखेंगे। और आप दिलचस्प बात ये भी देखेंगे कि जैसे ये सूरत शुरू हो रही है ना, इसी तरह सूरह हूद, सूरह यूसुफ और सूरह इब्राहिम, यानी और ये सूरह यूनुस, ये चारों सूरतें एक ही तरह से स्टार्ट हो रही हैं, अलिफ लाम रा से, और ये सारी ही अंबिया के नामों पे हैं। अब इस सूरत का बाज लोगों ने कहा कि चंद आयात मदनी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ये सारी सूरत ही मक्की है। वो उन्होंने मदनी क्यों कहा कि हो सकता है कि यहूद के साथ जो कोई बात की गई हो तो शायद ये मदनी सूरत है। हालांकि मक्का में भी मुशरिकीन मक्का जाके यहूद से बातें पूछते थे, तो उन उस वक्त भी एक इन्फ्लुएंस उनका था मक्का वालों पे। अब इसका जो टॉपिक है या मरकजी मजमून है या जो थीम है वो ही है जो मक्की सूरतों का हुआ करता है, और वो है तौहीद, अकीदा आखरत, रिसालत। ये समझ लें आपस में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पे वैसे तो मक्की सारी सूरतों में ये है, यहां पे खास तौर पे आप देखेंगे एक मुखासमा मुशरिकीन के साथ। मुखासमा मींस के उनके साथ एक बहस, उनके साथ एक उनके जो बातिल अकीदा है उसकी निशानदेही करना और उनकी इसलाह करना, तो उसके ऊपर उनके साथ एक बहस है। अब बातिल फिरके ईसाइयत, यहूदियत, मुनाफिकीन, ये सारे ही बातिल ही हैं, मगर उनके साथ जो मुकालमा हुआ है, जो डायलॉग हुआ है, वो मदनी सूरतों में हुआ है। और आप मक्की सूरतों में देखेंगे मुशरिकीन मक्का के साथ डायलॉग है, ठीक है। तो देखते हैं, साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह बताती भी जाऊंगी। एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये कि देखिए जब हम कहते हैं ना तौहीद के ऊपर इसमें बात की गई, तो तौहीद का मतलब ये नहीं है कि बस उनको ये बताना था कि एक खुदा है और एक अल्लाह बनाने वाला है, ये सब कुछ चीज का, ये नहीं, वो तो इसको मानते ही थे ऑलरेडी। तो तौहीद की अकसाम मैंने आपको लिखवाई थी पहले, अगर आप में से किसी को याद हो, और वो अकसाम अगर आपको याद है तो आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी, अगर नहीं याद है तो आज इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपने उनको याद करना है। दूसरी एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि जो पूरे कुरान का टॉपिक क्या है, पूरे कुरान का अगर मैं आपसे पूछूं कि वन वर्ड में आप इसको बताएं कि पूरा कुरान किस चीज के गिर्द घूमता है,
तो कोई बता सकता है? पूरा कुरान जो है ना वो तौहीद के गिर्द घूमता है, या तो उसमें तौहीद के हकूक बताए जाते हैं, तौहीद है तो ये हक है, या तौहीद की मार्फत है, तौहीद क्या है, या तौहीद अलूहियत की तरफ बुलाया जाता है, या फिर उसके अंदर जजाए तौहीद है कि तौहीद वालों को क्या मिलेगा, या जो लोग तौहीद को मानने वाले होते हैं फिर उसके बाद उन लोगों से क्या चीज है जो कि उन लोगों से मतलूब है कि वो इस चीज का को माने और इस चीज से बचें। तो सारा कुछ अगर आप देखें ना तो ओवरऑल तौहीद ही इसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 1 से 20 तक बात करेंगे। देखते हैं लफ्जी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्क आयात, ये आयात हैं अल किताब अल हकीम, किताब हकीम की, हिकमत वाली किताब की। अ क्या, कहना है, लिन नास, लिए लोगों के, आजबन, अजीब बात, अन के, औ हैना, वही की हमने, इला रजुलिन, तरफ एक, रजुल के, शख्स के, मिन हम उनमें से, अन के, अंदेर, खबरदार करो, अन्नास, लोगों को, व बशीर लदीना आमनु, और बशारत दो उन लोगों को जो ईमान लाए, अन्ना लहुम, के बेशक उनके लिए, कदम सिदकिन, मर्तबा है, कदम मतलब मर्तबा, सिदकिन सच्चाई का, इन रब्बीम उनके रब के पास। कौल अल काफिरूना, कहा काफरों ने, इन हाजा, बेशक ये, लसाहिरुन, अलबत्ता जादूगर है, साहिर है, उर्दू में भी बोलते हैं, मुबीन, खुला। अब आप देखेंगे कि आसान आसान सारे लफ्ज हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूं क्योंकि वर्ड्स में कोई भी मुश्किल वर्ड ऐसा नहीं है। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, बेशक रब तुम्हारा अल्लाह है, अल्लज़ी, जिसने, खलक अस्समावाति वल अर्द, पैदा किया आसमानों को और जमीन को, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, तुम मस्तवा, फिर मुस्तवी हुआ, अलल अर्श, ऊपर अर्श के, या अर्श पर, युदब्बिरुल अम्र, तदबीर करता है अमर मामलात की, मा मिन शफीअन, नहीं मिन शफीअन कोई सिफारशी, इल्ला मगर, मिन बादी बाद, इदनी ही उसके इजन के, ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, फाबुदूह, बस इबादत करो उसकी, अफला तदक्करून, क्या भला नहीं तदक्करून तुम नसीहत पकड़ते, इलैही उसकी तरफ, मर्जिउकुम, लौटना है तुम्हारा जमीअन सबका, वाद अल्लाह हक्का, वादा है अल्लाह का, हक्का सच्चा, इन्नहु बेशक वो, यबदा उल खल्का, इब्तिदा करता है खल्क की, पैदाइश की, सुम्मा फिर, युईदु इयादा करता है हु उसका, यानी दोबारा लौटाएगा उसको, इयादा मतलब रिपीट करना, लिया जजिया, ताकि जजा दे, बदला दे, अल्लदीना आमनु व अमिलु सालिहाती, उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल किए, बिलकिस्त, साथ इंसाफ के, वल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लहुम शराबुन, लिए उनके शराब है, शराब अरबिक में शराब वो शराब नहीं जो हम उर्दू में कहते हैं, पीने की चीज को कहते हैं, पीना है, मिन हमीम, खोलते हुए पानी से, व आदाबुन अलीम, और अरजाब दर्दनाक, बीमा कैनु यकफुरून, बेवजह इसके के जो वो कुफर करते थे, हुवल्लज़ी हुआ वो, अल्लज़ी वो जात है यानी अल्लाह ताला, जअलश्शम्सा जिसने बनाया सूरज को, दिया अन रोशन, वलकमर और चांद को, नूरन चमकने वाला, वकद्दरहु और मुकर्रर की उसकी, तकदीर भी इसी से, मनाजिला मंजिले, लितअलमु ताकि तुम जान लो, आददा गिनती, अदद गिनती को कहते हैं, सन आप कहते हैं ना तुम्हारा सन ने पैदाइश किया, तो सन ईयर को कहते हैं, अब सिनीन सालों की, वल हिसाब और हिसाब, मा खलकल्लाहु नहीं पैदा किया अल्लाह ने दालिका इसको, इल्ला मगर बिल हक साथ हक के, युफस्सिलु तफसील इसी से है, खोल खोल के बयान करता है, अल आयात आयात को, लिकौमी यालमून लिए उस कौम के जो इल्म रखती हो, इन्ना फी इख्तिलाफ लैल व नहारी बेशक इख्तिलाफ में, इख्तिलाफ मतलब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक दूसरे के पीछे आना, खल्फ से है ना, रात और दिन के, वमा खलकल्लाह और जो पैदा किया अल्लाह ने, फिस समावाती वल अर्द आसमानों में और जमीन में, ला आयातिन
البتہ نشانیاں لقوم لیے قوم کے یتقون جو متقی ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون جو نہیں یرجون رجا سے ہے رجا امید کو کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری لقاء کی ہماری ملاقات کی وردو اور وہ راضی ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر وطمئنوا اور وہ مطمئن ہو گئے اطمینان تو آپ کو پتا ہے بہا اس پر والذین اور وہ لوگ ہم وہ ان آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں ابھی تک دیکھیں ایک بھی مشکل لفظ نہیں آیا اولئک یہی لوگ مأواہم ٹھکانہ ہے ہم ان کا النار آگ بیما بوجہ اس کے جو کینو تھے وہ یکسبون کسب کمائی کو کہتے ہیں یکسبون وہ کمائی کرتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ان کی رہنمائی کرے گا یہدی رہنمائی کرے گا ہم ان کی ربہم ان کا رب بی ایمانیم بوجہ ایمان کے ان کے تجری من تحتیم الانہار فی جنات النعیم جنتوں میں نعمتو بھری دعواہم پکار ان کی فیہا اس میں سبحانکا پاک ہے تو اللہم اے اللہ و تحییتوہم اور تحیہ یا تحیہ کہتے ہیں گریٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دعائے ملاقات جیسے ملاقات آپ کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں دعائے خیر ان کی فیہا اس میں سلام سلام وآخر اور آخری دعواہم پکار ان کی ان الحمدللہ رب العالمین ولو اور اگر یعجیلو جلدی دے دے اجلت سے اجلت اردو میں بھی بولتے ہیں عین جیم لام اللہ تعالیٰ للناس لیے لوگوں کے الشر برائی کو استعجالہم جلدی مانگنا ان کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ باب استفعال میں جب آ جاتا ہے کوئی لفظ تو یہ اجلت کا لفظ باب استفعال میں آیا یعنی شروع میں دیکھو الف سین تا آ رہا ہے نا تو اس میں پھر طلب کرنے کا معنی آ جاتا ہے مانگنے کا جیسے استغفار جلدی مانگنا ان کا استعجالہم بالخیر بھلائی کو لقو دیا البتہ پوری کر دی جاتی الی طرف ہم ان کی اجلہم ان کی مہلت فنذر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون عینی مہا سے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں وَإِذَا اور جب مَسَّا چھو جاتی ہے الانسان انسان کو الدُّرُّ تکلیف دعانا پکارتا ہے ہم کو لجنبی اپنی کروٹ پر جنب کہتے ہیں نا پہلو او قاعدن یا بیٹھے ہوئے او قائمن یا کھڑے ہوئے قیام کرنا ہوتا ہے نا فَلَمَّا پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں کشفن کھول دینا تو مشکل بھی یا مصیبت بھی یعنی دور کر دینا انہو اس سے دروہ اس کی تکلیف کو اس کی درر کو دعا درارا سے مرہ چلا جاتا ہے کہ اللم کہ گویا اللم کہ نہیں یدعونا پکارا تھا یدعو پکارا تھا نہ ہم کو پکارا تھا اس نے ہم کو الى درن طرف درن تکلیف میں مسہو جو پہنچی اس کو کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے للمسرفین لیے حد سے بڑھنے والوں کے ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے ولقد اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کیا ہم نے القرون قوموں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجاءتہم رسلہم بالبینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ کھلی نشانیوں کے وما کانوا لیؤمنوا اور نہ تھے وہ ایمان لائے کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم جزا دیتے مجرم قوم کو ثم جعلناکم پھر بنایا ہم نے تم کو خلائف جانشین فی الارض زمین میں من بعدی میں ان کے بعد ان کے بعد لننظر کیف تعملون تاکہ ننظر ہم دیکھیں کیف کس طرح
तामलून तुम अमल करते हो। वह इदा तुतला और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना उन हमारी आयात बय्यिनात रोशन। काला कहते हैं अल्लदीन ला यर्जुना लिकाअना जो वो लोग जो ला यर्जुना जो नहीं उम्मीद रखते लिकाअना हमारी मुलाकात की। अब ये बार बार लफ्ज आ रहा है। इती ले आओ क्योंकि आगे बी है बे कुरआनिन कोई कुरआन गैरी हादा इसके अलावा औ बद्दिल हो या बदल दो इसको कुल कह दीजिए मा यकुनु नहीं है ली लिए मेरे अन के उबद्दिला हो कि मैं बदल दूं उसको मिन तिलकाई अपनी तरफ से नफसी अपनी तिलकाई यानी तरफ मिन तो सिया आ गया तिलकाई यानी लकी से है वैसे तो ये तो अपने ही नफ्स से इन नहीं अत्तबिऊ मैं पैरवी करता इल्ला मगर मा जो यूहा वही किया जाता है इलैया तरफ मेरी इन्नी बेशक मैं अखौफ हूं मैं डरता हूं इन आसई तो अगर मैं नाफरमानी करूं रब्बी अपने रब की अजाब यौम नाज़िम अजाब बड़े दिन के कुल कह दीजिए लौशा अल्लाह अगर चाहता अल्लाह मा तलौतु नहीं तलौतु मैं तिलावत करता हूं इसको अलैकुम तुम पर वला और ना अदराकुम खबर देता इदराक से है ना दाल रोका भी इसकी फकत बस तहकीक लबिस तू जैसे लबिस ना यौमन औ बाद यौम इस तरह है ना लबिस तू मैं ठहरा रहा फी कुम तुम में अमूरन एक उम्र तक मिन कबली ही इससे पहले अफला ताकिल क्या भला नहीं तुम अकल रखते फमन तो कौन अजरमू ज्यादा बड़ा जालिम है मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कदीबन उससे जो घाड़ ले अल्लाह पर झूठ और कदब भी आयात ही या झूठलाए उसकी आयात को इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून बेशक नहीं फला पाते मुजरिम वह याबुदून मिन दूनिल्लाह और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा मा ला यदुर्रुहुम जो नहीं नुकसान देता उनका वला यनफाउहुम और ना नफा देता उनको वह यकूलूना और वो कहते हैं हा उलाई ये लोग शुफाउना इंदल्लाह हमारी सिफारशी है अल्लाह के यहाँ कुल कह दीजिए अतुनब्बिऊना अल्लाह क्या तुम खबर देते हो अल्लाह को बीमा साथ उसके जो ला यालमु फिस समावाती वला फिल अर्द नहीं वो जानता आसमानों में और ना जमीन में सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून पाक है वो और बुलंद है अन से मा जो उससे जो युशरिकून वो शरीक ठहराते हैं वमा कैन अन्नासु और नहीं थे मा कर माना नहीं इसलिए करेंगे आगे इल्ला नहीं थे लोग इल्ला मगर उम्मत वाहिदतन उम्मत एक ही फख्तलफू पस उन्होंने इख्तलाफ किया वलौला और अगर ना कलिमतुन एक बात होती है कलमा होता सबकत जो गुजर चुका जो गुजर गई बात साबिका हम कहते ना कि साबिका दिनों में ऐसा हुआ तो यानी जो गुजर चुके मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से लकूदी अलबत्ता फैसला कर दिया जाता बईना हम उनके दरमियान फी में मां जो उसमें जो फी ही इस जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ कर रहे थे आयकूलूना और वो कहते हैं लौला क्यों नहीं उनजिला नाजिल की गई अलैहि इस पर आयतुन कोई निशानी एक कोई एक मुजज़ाई मेरे रब्बी उसके रब की तरफ से फकुल तो कह दीजिए इन्नमा बेशक अल गैबु गैब लिल्लाही लिए अल्लाह की है फंतज़िरू बस इंतजार करो इन्नी माकुम बेशक मैं मा साथ कुम तुम्हारे मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में से हूं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक आज का सबक है। लेकिन जो मक्की सूरतें होती हैं ना इनके अगर आप खुद पढ़ेंगे भी तो आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत सिंपल आयात होती हैं लेकिन डेप्थ इतनी ज्यादा होती है कि आप एक एक आयत को अगर खोलने लगे ना तो पूरा पूरा लेक्चर हो सकता है उसकी में गौर व फिक्र करते हुए तदब्बुर करते हुए उसकी गहराई में अगर आप जाते हैं तो बहुत टाइम लग सकता है। तो आज की भी आयात कुछ ऐसी ही हैं। देखते हैं आज की आयात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्तआत हैं। मुकत्तआत मतलब कता किए हुए अलग अलग किए हुए इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं ठीक है।
और ये अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरह उतरा है और इसका माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। जब हमें नहीं बताया तो अब हम इसके माने को जितना भी टटोले करें, अपने अकल के घोड़े दौड़ाएं, तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। इसीलिए जो हमारे असलाफ थे ना, जो हमारे पहले के लोग थे, जो मुफस्सिरीन पुराने थे, उन्होंने इसकी कोई तफसीर नहीं की। बस वो ये बताते हैं कि ये मुतवज्जे करने के लिए आइदर तो जो मुखातिब है उसको मुतवज्जे करना कि आप आगे बात जो आ रही है उसकी तरफ तवज्जो करें। दूसरा ये भी रीजन इसका लिखा गया है कि जो अरब लोग थे ना, वो अपने आप को तो कहते थे हम अरब है, और बाकी सारी दुनिया को ये कहते थे ये अजम है, अजमी है। अजमी मतलब क्या? गूंगे, ठीक है। तो हम हैं जो साहिब जुबान है और हम हैं जो फसाहत और बलागत में इतने टॉप पे हैं, तो हमारा तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, ये तो सारे गूंगे हैं। तो उनको कहा गया कि तुम ये दावा करते हो ना कि तुम बहुत बड़ी चीज हो और तुम जुबान दान हो और ये हो, तो लो फिर इसका तर्जुमा करके बताओ ये क्या हरूफ है, इनका क्या मतलब है, जिसके आगे सब आजिज थे। तो ये भी एक मौजज़ा है कुरान का कि इसका माना कोई नहीं जान पाया। और ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई माना नहीं है, अल्लाह ताला इसका माना जानता है कि इनके क्या माने हैं। समझ आई बात? और फिर हमें एक तरह से ये बात शुरू में ही सिखा दी गई है कि आपको माना समझ नहीं आ रहा ना, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमें तो माना समझ नहीं आ रहा तो फिर मतलब ठीक है हम नहीं मानते। नहीं, हमें ये कहना है, ईमान यही होता है कि अब से आगे, देखिए अलिफ लाम मीम भी इससे कुरान पाक यानी एक तरह से स्टार्ट की बात है ना सूरह बकरा में, अलिफ लाम मीम से कुरान समझ लें, एक शुरुआत होती है सूरह फातिहा के बाद, तो उसमें भी आपको ये बता दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही ना इसका क्या मतलब है, तो आपने इसके बावजूद ये कहना है, ये आपकी ईमान का तकाजा है, आपका ईमान ये डिमांड करता है कि आपको अब ये कहना है कि मेरी समझ में आए या ना आए, मैं इसके ऊपर ईमान रखती हूं कि ये अल्लाह की तरफ से है बस। और रासिखूना फिल इल्म, जिनका सूरह आले इमरान में हमने पढ़ा था, वो भी यही कहते हैं ना, आमन्ना भी कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, हर चीज ये सारा हमारे रब की तरफ से, सारा का सारा। समझाई बात? तो इसको हमने मानना है, ईमान रखना है, लेकिन इसके माने के ऊपर हमने कोई बहस नहीं करनी। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात जो है ना हिकमत वाली किताब की हैं, ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये आयात हैं एक ऐसी किताब की जिसकी सिफत क्या है कि वो हिकमत वाली है, यानी हिकमत के भी हम डिफरेंट माने में आपको बताती हूँ। एक माना इसका है कि इसमें जितने अहकाम है वो मजबूत है, मोहकम के माने में, एक हकीम बमाना मोहकम, मोहकम मतलब मजबूत, यानी इसके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी अहकामात हैं, चाहे वो हलाल हराम से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो कोई भी और हुक्म है इसमें, वो सब ऐसे हैं कि उनमें कोई झोल नहीं है, उनके साथ मजबूत दलाइल है, ठीक है, दलाइल के साथ वो मौजूद है। फिर ये हकीम बमाना हाकिम भी करेंगे, यानी फैसला करने वाली किताब की आयात है, यानी ये फैसला करती है लोगों के दरमियान, लोगों के डिफरेंट नजरियात होते हैं, डिफरेंट सोचें होती हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, उनमें ये फैसला करता है ये कुरान, ये किताब, कि हक क्या है और बातिल क्या है। फिर हकीम बमाना महकूम फी भी है, यानी क्या मतलब कि इसके जरिए फैसले किए जा चुके, जितने फैसले कुरान में है वो सब अदलो इंसाफ की बुनियाद पे किए जा चुके हैं, और किसी ने अदलो इंसाफ की बेस पे जो फैसले हैं वो देखने हैं तो कुरान को देख ले। तो ये सारे माने इसके हैं। तो यानी आप एक बहुत हिकमत वाली किताब पढ़ने जा रहे हैं और हाकिम को पढ़ने जा रहे हैं, हाकिम किताब है ये,
ये खुद हाकिम है, ये खुद फैसले करती है, ठीक है, और हिकमतें भी हैं इसमें। तो ये बात समझ के फिर हम आयतें पढ़ें आगे, और ये पूरी ही कुरान की आयतों की तरफ भी है और इस सूरत की आयतें भी, ठीक है। तो अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोच समझ लिया है ना कि किस किताब की आयतें पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे क्या बात है, अख्याना लिन्नासि अजबन, क्या है लोगों के लिए ये अजीब बात, क्या लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है, अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हमने वही की है एक इंसान के ऊपर, एक आदमी के ऊपर उनमें से, ये बात इनको अजीब लगती है। अब उनके लिए ताज्जुब की बात क्या थी कि लो भाई एक इंसान के ऊपर आ गई वही, ये कैसी बात हो गई, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ, पला बड़ा, हमारे सामने मतलब शादी हुई है, हमारे सामने औलाद हुई है, हमारे सामने ये हमने इनको देखा है, तो इनके ऊपर कैसे वही आ सकती है, ये तो हमारे में से एक इंसान है। तो अगर वही आनी थी तो कोई फरिश्ता आता, कोई और मखलूक आती है। तो फरमाया गया कि अगर ऐसे होता ना, एक और जगह भी आया, अगर फरिश्ता आता तो वो भी तो इंसान की सूरत में ही आता ना, फरिश्ते की सूरत में तो आ ही नहीं सकता, तो इंसान तो फरिश्ते को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता देखना। तो मजबूरी रब की नहीं है, मजबूरी तो तुम्हारी है कि तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अल्लाह ताला ने किसी को भी भेजता तो इंसानी सूरत में ही भेजता ना, अब तुम्हें इस बात पे हैरत हो रही है, हालांकि पिछले अंबिया भी तो इंसान ही थे। अब ये इस्तफहाम इनकारी है, अकाना लिन्नासि अजमन, क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात है। इसको इस्तफहाम इनकारी क्यों कहते हैं, कि नहीं इसका माना होता है कि कैसे हो सकता है कि तुम इस बात के ऊपर हैरत करो, इस पे तो हैरत की बात ही नहीं है कोई। जैसे हम उर्दू में भी इस्तफहाम इनकारी बाज दफा बोलते हैं ना, हम जैसे कहते हैं कैसे हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तरीका बताए कि कैसे वो जाएगा छोड़ के, बल्कि असल में आप पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। तो इसी तरह इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा नहीं जा रहा कि कैसे तुम ताज्जुब करते, तो तरीका वो बताएं वो किस तरह ताज्जुब करते, नहीं, बल्कि हैरत का इजहार भी है उसमें, और इसमें एक इनकार भी है, और इसमें एक जजर तौबीख भी है, एक डांट भी है कि कैसे हो सकता है, तुम कैसी बातें करते हो कि इंसान के ऊपर कैसे आ गई, ये तो बाजारों में चलते हैं, तो गलियों में चलते हैं, तो हमारे अंदर रहते हैं, कैसे आ गई इनके ऊपर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत में ना बनू इस्माइल को चुना, और उनमें बनू किनाना को चुना, और उनमें कुरैश को चुना, और उनमें बनू हाशिम को चुना, और उनमें से मुझे चुना। सुभान अल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस तरह चुना है, पूरी इंसानियत में से नैरो डाउन करके इनके ऊपर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पीछे आपकी मतलब पूरी जनरेशन के अंदर कोई वलदु जिना नहीं था, किसी औरत मर्द ने जिना नहीं किया था, इतना प्योर आपका जो है ना नसब है। तो क्यों हमने भेजा इस शख्स को, अन अंदरिन्नासा, कि वो खबरदार करें लोगों को, कि वो डराए लोगों को, और बशीर लदीना आमनु, और बशारत दें उन लोगों को जो ईमान लाए। यानी दो काम थे आपके, कि आके क्या करें, बशीरम व नजीरा अल्लाह ताला ने बना के भेजा, बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला, तो दोनों ही जरूरी है इंसान के लिए। क्योंकि इंसान देखें जैसा इंसान होगा वैसे ही उसको दवा, आप मरीज का मर्ज देख के गोली देता है डॉक्टर, कि जो शिर्क में डूबा हुआ माशरा, जो इसमें फिस्को फजूर है, जिसमें गुनाह है, जिसमें मादा परस्ती है, जो गफलत में पड़े हुए, उनको आप जाके खुशखबरियां थोड़ी सुनाने शुरू कर देंगे, उससे तो चेंज नहीं आएगी। फिर आप क्या करते हैं, इंतजार से शुरू बात करते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो शुरू की वही है, या अय्युहल मुद्दसिर कौम फअंदिर, ये नहीं फरमाया कौम फबशिर, उठें और आप बशारा देना शुरू कर दें लोगों को, खुशखबरियां देना शुरू कर दें। तो
अब लोग चाहते हैं आजकल कि हम तो जो जैसे भी हो ना, चाहे हम शिर्क कर रहे हैं, चाहे हम मादा परस्ती में मुबतला है, हमने मटेरियल को अपना खुदा बना लिया और उसको पूज रहे हैं, लेकिन आप हमें ना बस अच्छी अच्छी खुशी की बातें बस बताते रहे, हमें कोई ऐसी वार्निंग की बात। इंतजार क्या होता है? डराना नहीं होता, एक्चुअली खबरदार करना, वार्न करना कि देखो ये जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, ये सही नहीं है, अगर इस पे चले तो आगे आग का गड़ा है। ये है इंतजार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर जबले कुबैस पे जाके जब ऐलान किया था तो या सबाहा कहा था। मतलब क्या होता था उस जमाने के अंदर, ये एक सदा होती थी कि जब कोई खतरा होता था, कोई लश्कर आ रहा है, कोई हमला आवर होने वाला है, तो इस तरह कहा जाता था, लोग जल्दी से जमा हो जाते थे, कोई लाउड स्पीकर तो होता नहीं था, तो ये एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन था, वार्निंग का एक कलमा था उनकी लैंग्वेज में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया था, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पीछे इस तरह से लश्कर खड़ा हुआ हमला आवर होना, तो मेरी बात को मानोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तो इससे भी बड़े खतरे से तुम्हें आगाह करने आया। तो दावत का आगाज इससे किया, वॉर्न करके। तो ये वार्निंग भी जरूरी होती है, सिर्फ ये नहीं कि बस मीठी मीठी ऐसी ऐसी बातें करते रहे और लोगों को बस ये हो के हाँ ठीक है, हमें तो हमारा सब कुछ ठीक ही चल रहा। तो बशारतें किनके लिए? जो ईमान वाले हैं। अन्ना लहुम कदम सिदकिन, कि उनके लिए है मर्तबा सच्चाई का, जो इस पैगाम को कबूल कर लेंगे वो सच्चाई के मर्तबे, जाहिर है उन्होंने सच्चाई को मान लिया, इस वजह से उनका अंजाम भी जो होगा वो सच्चे मर्तबे उनको नसीब होंगे। क्या अब ये सच्चाई के मर्तबे क्या, कि यानी दुनिया के जितने भी मकाम मर्तबे हैं ना, ये सब झूठे हैं, वहां के मर्तबे सच्चे हैं, जो आला और बुलंद मर्तबे हैं और जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए रखे हैं। तो वैसे तो कदम का माना एक हम अपना भी लेते हैं ना, लेकिन एक मकाम का भी माना होता है, कदम का माना बड़ाई बुलंदी का मकाम उनको मिलेगा और नेक आमाल की तौफीक मिलेगी उनको, ये भी इसका माना। इंद रब्बी, उनके रब के, हाँ। और असल जो उनका इसका माना यही बनता है कि अल्लाह ताला उनको बुलंद मर्तबे अता फरमाएगा, बड़ाई के मर्तबे देगा। कदम होता है ना वो आगे को होता है ना, आप उसमें एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिसने ईमान लाया, जो तस्दीक की, तो फिर उसके बाद उसके लिए ये मर्तबे हैं, उसके लिए आला मकाम है। इसलिए बशारतें तो ईमान वालों के लिए हैं, बुलंद मर्तबे ईमान वालों के लिए हैं। और भी इसकी बहुत सारी तफासीर की गई हैं बुलंद मर्तबे के अलावा भी। ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की शिफात करने वाले हैं और उन पर मुकद्दम है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौस पर तुम्हारा पेशरौ हूँ, या पहले से तुम्हारा इंतजार करूँगा और मुकद्दम हूँ। ये बुखारी और मुस्लिम में भी आता है। तो आगे होंगे ना सबसे। قال الكافرون ان هذا لساحر مبين, तो काफिरों ने क्या कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा जी जी ये तो जादूगर है। जादूगर क्यों कहा? कि ये जो इनका कलाम है ये तो जादू की तरह असर करता है लोगों के ऊपर, लोगों अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, बस एक मतलब इतने उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इस पैगाम को लेकर, कि वो इसको ही सब कुछ अपना बना लेते हैं, इसके लिए जान दे रहे हैं, इसके लिए घर वालों को छोड़ रहे हैं, तो ये तो कोई जादू ही है। असल में मसला ये है कि इंसानों की ये आदत है कि जब वो किसी बात को समझ नहीं पाते ना, तो उसको जादू कह देते हैं, उसको माफाकुल फितरत कोई चीज कह देते हैं। कि नहीं जी ये तो आज भी आप देखें, किसी को समझ नहीं आती, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, वो सोचते हैं कि ये जादू कर दिया है हमारे ऊपर, क्योंकि वो समझ नहीं पाते ना कि क्या वजह है। तो हालांकि जादूगर को आप देखें, उनको जादूगर कहते हैं, जादूगर तो पेशावर लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। आप नबूवत प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है कोई। इसी तरह जादूगर तो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, नबी पैसे कुछ किसी से कुछ भी नहीं मांगता कोई जजा। जादूगर जो होते हैं वो गंदे रहते हैं, पलीत रहते हैं और गंदगी के काम करते हैं, उनका अल्लाह के जिक्र से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। वो सारे काम करते हैं जिनसे शयातीन खुश होते हैं,
क्योंकि शयातीन खुश होंगे तो फिर वो उनके साथ वो जिन्नात लग के उनके वो काम करके देंगे। मैंने आपको एक दफा बताया भी था जादू की चीज बातों के बारे में कि ये कितने गलीज काम करते हैं, किस कदर गंदगी के काम करते हैं, और वो तमाम कामों को करना चाहते हैं जिससे शयातीन बस खुश हो। जबकि नबी की जात तो ऐसी है ही नहीं, दूर दूर का कहीं ताल्लुक नहीं है जादू के साथ। तो वो कहने लगे ये तो खुला जादू है, अब क्या और क्या कहते, और कोई बात उनके पास थी नहीं। तो फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम। अब यहां से जो उनका शिर्क था, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सूरत का थीम ही है कि उनके जो गलत अकायद थे उसको पॉइंट आउट करना और उसके बाद उनकी इसलाह करना कि रब तुम्हारा, रब कौन होता है, रब वो होता है जो मालिक भी होता है, जो रोजी रसां भी होता है, जो जो नर्चर करने वाला होता है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी चीज को परवान चढ़ाने वाला होता है, ये सारी रब की खसूसियात है। आप सिंपल वर्ड्स में कह दे मास्टर, तो रब कौन है? बाज लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह ताला का तारुफ बता दें, तो देखिए अल्लाह का तारुफ पूरा कुरान से भरा हुआ है कि अल्लाह ताला कौन है, तुम्हारा रब कौन है, इसकी तलाश की तुम्हें जरूरत नहीं। ये बात तो अल्लाह ताला ने असल में इंसान के अंदर रख दी है उसकी फितरत में कि उसका रब कोई एक है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को 6 दिनों में, सित्तति अय्याम 6 दिनों में। अब ये कौन से 6 दिन है, या 6 दिनों में क्यों पैदा किया जब अल्लाह ताला कलमा कुन से पैदा कर सकता है उसी वक्त, इसका हमें इल्म नहीं है। मगर हमें इसे ये पता जरूर चलता है कि अल्लाह ताला के हाँ ग्रेजुअलिटी के साथ काम हुआ, तदरीज के साथ काम हुआ, स्टेप बाय स्टेप काम हुआ, वरना वो कौन कहता तो फयकून हो जाना था। तो इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे देखेंगे जैसे एक बच्चा है, वो मां के पेट में 9 महीने रहता है, वो भी अल्लाह ताला कौन कह के पैदा कर सकता था कि 24 घंटे के अंदर एक बच्चा तैयार होकर दुनिया में आ जाता। इसी तरह दुनिया में आता तो इतना छोटा होता है, फिर आप देखते हैं कि 1 साल में वो कितना बढ़ता है, फिर 20-25 साल का होकर वो पूरा फुल ग्रोन मैन बन जाता है। अब आप देखें कितना अरसा लगा इसमें, तो पूरी कायनात में तदरीज है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं। अब ये तो पता चल गया, अब ये दूसरा सवाल है कि ये सित्तती अय्याम कौन से हैं? उस वक्त तो ये जमीन और सूरज और चांद और ये सब चीजें तो थी नहीं, तो सूरज के साथ है हमारे तो दिनों का हिसाब तो सूरज के साथ है, तो फिर ये कौन से अय्याम है? क्या ये जमीन के अय्याम है या वो अल्लाह के हाँ जो दिन है, एक दिन 1000 साल का है, हमारे 1000 साल का अल्लाह के हाँ एक दिन है, क्या वो 6 दिन है? ये भी हमारी समझ से बाहर है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ हमें अहादीस से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया था, ठीक है, तो लेकिन हमारा इस पे ईमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया 6 दिनों में पैदा किया तो 6 दिनों में ही किया। ईसाई इसके बाद कहते हैं कि अगले दिन हॉलीडे है कि अल्लाह ने रेस्ट किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अल्लाह ताला को ना किसी आराम की जरूरत है और ना वो थकता है। मा मस्सना मिन लुगूब, अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह काफ में कि हमने पैदा किया आसमानों जमीन को और उनके दरमियान जो कुछ भी है 6 दिनों में, और हमें कोई थकावट नहीं लाहा कोई। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह तुम्हारा रब वो है जिसने ये किया। अच्छा अब यहां पे अब मैं आपको याद दिला दूं कि तौहीद कितनी अकसाम की है, जो कि आपने याद करनी है, आपको जब पूछे आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये बात कि तौहीद कितनी अकसाम की है, तौहीद कुरान में कौन सी तौहीद बताई गई है और कौन सी तौहीद को प्रूव किया गया। देखें तौहीद 3
किस्मों की मुफस्सिरीन ने इसको डिवाइड किया, तौहीद, तौहीद रबूबियत, ठीक है, यानी अल्लाह ताला को रब मानना, अल्लाह ताला को रब मानना, इसमें किसी का कोई भी इख्तलाफ नहीं है। इसीलिए आप देखें ना, आप किसी गैर मुस्लिम से भी बात करें, वो कहते हैं हाँ एक तो है कोई, वो ये नहीं कहेगा कि ये आसमान और जमीन जो है ना वो हमारे, वो इसने बनाया है, किसी बुत ने बनाया है या किसी कब्र वाले ने बनाया है। वो कहते हैं एक भगवान, एक पर चाहे वो उसको भगवान कहें चाहे कुछ कहें। इवन क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि ये तीन हैं खुदा, लेकिन इनमें एक है जो बड़ा है, ठीक है। तो ये सब मानते हैं, जो बड़े बड़े मजाहिब दुनिया में गुजरे हैं ना, वो सब एक किसी एंटिटी को बड़ा मानते रहे हैं, ठीक है, कि जिसने पैदा किया सब कुछ। इसीलिए मुशरिकीन मक्का से भी जब पूछा जाता था कि आसमान और जमीन किसने पैदा किए, तो वो कहते कि अल्लाह ने, वो इनकार नहीं करते, कहते नहीं थे कि हमारे लात मनात उज्जा इन्होंने पैदा किए, कोई नहीं ऐसे कहता था। अच्छा, तो अच्छा, एक ये तौहीद, एक है तौहीद अस्माउ सिफात, ये अल्लाह ताला के जितने भी अस्माउ सिफात हैं इसमें तौहीद के अल्लाह ताला इनमें यकता है, यूनिक है, और लैसा कमिथली शैउन, उस जैसा कोई नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए हैं, ये सिफात उसके लायक हैं और उनमें वो अकेला ही है, ये भी एक तौहीद है, ठीक है। फिर तीसरी जो बहुत अहम बात है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, वो है तौहीद अलूहियत, इलाह मानना, जैसे हम कहते हैं ला इलाह इल्लल्लाह। आज इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह सबने समझ लेना, ठीक है। बाद में मैं आपसे पूछा करूंगी सिर्फ ये कि आपको तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, सिर्फ ये कहूंगी, ठीक है। अच्छा, तौहीद उलूहियत जो है अल्लाह ताला को एक मानना, वो है इबादत में यानी तौहीद। एक तो है ना रब मानना है, ये मानना है, सिफात में मानना है, ठीक है, वो बात सारी हो गई। अब है इबादत में अल्लाह ताला को अकेला मानना। अब इसके अंदर है जो सारा प्रॉब्लम है, इसके अंदर है जो सारी मुश्किल है, कि लोग अल्लाह ताला को रब तो मानते थे, लेकिन जब तौहीद उलूहियत की बात आती है, इबादत की बात आती, तो उसमें फिर औरों को शरीक करते। और कुरान में क्या बताया जा रहा है, कुरान में सारा वक्त यही बताया जाता है कि जब तुम उसको रब मानते हो तो फिर इबादत भी तो उसकी करो। इस आयत में भी आएगा फाबुदू, फिर इबादत भी तो उसकी करो। इबादत क्या चीज होती है, इंतहाई आजी के साथ किसी की इतात करना, ये इबादत है। अब वो खड़े होना है, रुकू करना है, सजदा करना है, ये सब तो सिंबल्स है ना इबादत के। असल में इबादत क्या है, इंतहाई आजी के साथ किसी की इतात करना, उसका हुक्म मानना, उसके पीछे चलना, उसने जो कह दिया वो करना, हलाल हराम जो उसने कर दिया वो हलाल हराम समझना, जिसको वो जैसे कहे वैसे मान लेना, ये है इबादत। और इंतहाई आजी के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, ये इबादत होती है। और इबादत में कुछ चीजें हैं जो इबादत के लिए खास उसके सिंबल्स हैं, समझ लें, सिंबल कह सकते हैं या उसके रिचुअल कह सकते हैं या ठीक है मरासम इबादत कह सकते हैं। वो जब हम कहते हैं ना अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिंबल्स जो हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ये कोई बहुत उलमा वाली लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये जो सिंबल्स है ना, ये मेरी सारी बात इस वक्त बिल्कुल आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, बार बार ये बातें फिर मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा सकती। ये जो सिंबल्स हैं, इनको किसी और के लिए हम रवा नहीं रख सकते, इनको हम किसी और को नहीं उसके लिए अदा कर सकते, ठीक है। यानी ये सिर्फ अल्लाह के लिए। उनमें क्या चीजें हैं, मसलन सजदा करना, मसलन रुकू करना, मसलन है कि मन्नत मानना, दुआ करना। आपको पता है वो हदीस, दुआ मुखुल इबादा, दुआ
इबादत का मगज है, दुआ ही, बल्कि हदीस में दुआ ही इबादत है, दुआ इबादत ही है। लेकिन हम यहां पे आके मसला खड़ा होता है, हम खुश हो जाते हैं ना, वो भी तो रब मानते हैं, वो जो सिखिज्म में, हिंदुइज्म में, वो किसी भी और रिलीजन में आप देखेंगे, वो एक किसी एंटिटी को, किसी एक जात को मानते हैं कि वो बड़ी है, उसने पैदा किया, तो हम इस पे बड़े खुश हो जाते हैं, देखा वो भी तो यही कहते हैं। बात उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा से इंसानियत कह रही है, क्योंकि वो क्या करे, इंसानियत तो वैसे ही मजबूर है, इंसानियत मजबूर है, वो और तो कुछ नहीं कर सकते, वो और क्या कह सकते हैं कि नहीं जी हमारे इस देवता ने पैदा किया आसमान जमीन खुद, तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर, ये तो पागल हो, उसने कैसे किया, वो तो हमारे सामने खुद पैदा हुआ, ये तो इंसान था, उससे पहले किसने पैदा किया, तो देर कैन बी मेनी क्वेश्चन। तो अब इंसानियत के अंदर फितरत में रखा हुआ अल्लाह ताला ने कि एक ही कोई है खुदा, मगर प्रॉब्लम फिर यहां आता है कि अल्लाह के लिए ये जब हम मरासिम जो सारे इबादत के हैं अदा करने लगते हैं, तो इसमें औरों को भी शरीक कर लेते हैं, या औरों को ही ये दे देते हैं, टोटली किसी और के लिए करते हैं ये सब कुछ, सज्दा किसी और के लिए कर रहे हैं, ये दुआएं किसी और से कर रहे हैं, झुक किसी और के रहे हैं, किसी के आगे मन्नतें मान रहे हैं, किसी के आगे फरमाबरदारी के साथ खड़े हुए हैं, किसी की इताअत में ऐसे लगे हुए जैसे अल्लाह की होनी चाहिए, या तो टोटली किसी और को दे देते हैं या पार्शली दे देते हैं, अल्लाह को भी दिया और मखलूक के लिए भी कर दिया, वो ये है शिर्क। जो अल्लाह के लिए खास है, जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, चीजें चीजें कह लें उसको, मरासिम नहीं समझ आ रहे तो या सिंबल नहीं समझ आते, जो जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए करने हैं ना, उनको मखलूक में से भी किसी के लिए करना शुरू कर दे कोई, तो वो हो गया शिर्क। शिर्क लोगों ने ऐसा नहीं किया कि आसमान को फलाने बनाया, जमीन को फलाने बनाया, उन्होंने कहा एक ने बनाया, यहां आके टांग टूटती है। आप समझ आई बात, क्योंकि अगर आपको शिर्क ही ना समझ आया तो आगे फिर बातें क्या समझ आएंगी, कि आप कहेंगे हाँ ये तो वाकई, ये तो वो भी मानते हैं, ये तो मुमिन। असल में बाज लोग सिर्फ इसी को प्रूव करते रहते हैं कि आप बस मान जाओ कि एक कोई हस्ती है जिसने ये सब पैदा किया, वो तो मानने में, पहले किसने कहा नहीं मानने में, मानने में आगे आता है ना प्रॉब्लम। और जो कोई ऐसा करेगा, यानी चाहे कोई मानता हो तौहीदे उलूहियत को, अब आपने नहीं पूछना तौहीदे उलूहियत क्या है, ठीक है, अब मैंने ये जो बताया, जो कोई मानता हो तौहीदे उलूहियत को, फिर भी जाके कहीं दुआएं कर रहा है, फिर भी जाके कहीं सज्दे कर रहा है, तो वो शिर्क कर रहा है, वो शिर्क कर रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा किया, सुम अस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। यहां तक से पता क्या चला कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, मुस्तवी है, इस्तेवा कहते हैं बराबर होने को। अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी है, उसकी कैफियत क्या है, हम कहते हैं यहां पे भी आके कि हमने ये माना कि अल्लाह ताला मुस्तवी है अर्श पे, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, जैसी उसकी शान के लायक है। इसका क्या जवाब है कि किस तरह की, हाओ, हाओ का हम नहीं जवाब दे सकते, हम क्या कहते हैं, हम ईमान रखते हैं कि वो मुस्तवी। ये सारी बातें ना मैं आपको अकीदे की समझा रही हूं, अकीदा, दिस इज अकीदा, क्योंकि यहां पे बिलीव मी इतने सारे गुमराहकुन फिरके पैदा हुए जिन्होंने यहां से ठोकर खाई, उन्होंने किसी ने कैफियत बयान करना शुरू कर दी, किसी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, मजहूल है कैफियत, हम क्या कहते हैं, जैसी उसकी शान के लायक है, ठीक है, जैसी उसकी शान के लायक है। युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर कर रहा है तमाम मामलात की, तमाम मामलात की प्लानिंग वो करता है। जब से उसने जमीन आसमानों को, कायनात को पैदा किया है, उसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया, जैसे कि हिंदुओं में वो कहते हैं कि जो भी खुदा है उसने पैदा किया
और उसके बाद उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इसको भी चलाने की या कुछ है, फिर तो भी तो और चला रहे हैं। नहीं, वो खुद है जो तदबीर करता है, कुल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज वो किसी नई चीज को कर रहा है, नए काम को कर रहा है, उसने बना के छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ खालिक नहीं है, मुदब्बिर भी है। और ये कायनात कितनी वसी है, मैंने आपको पहले भी इसका बताया था कि इसकी वुसत का अंदाजा तो हम लगा ही नहीं सकते, हमारे तो दिमागी मतलब उनकी रीच ही नहीं है। जैसे हमारी ये गैलेक्सी में 1 खरब सितारे हैं, खरब, 1 खरब, और अब तक खरब से ज्यादा कहकशाएं ये गैलेक्सी डिस्कवर हो चुकी हैं, खरब से ज्यादा। ठीक है, तो सूरज कितनी का वजन, कितने खरब टन है, और इसका मतलब जो टेम्परेचर बताते हैं, वो कहते हैं कि इसके टेम्परेचर 17 मिलियन फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। कई सितारे 200 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है उनके कोर का, किसी का 10 बिलियन डिग्री है। तो अब हमारी ना अकले भी जवाब दी जाती हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि वो कैसे तदबीर कर रहा है सारी कायनात की, और इस तदबीर के अंदर किस तरह इतनी एक्यूरेट है। और इस वक्त आके इंसान कहता है कि वाकई ए अल्लाह, ये तू ही है और कोई नहीं कर सकता, वाकई अल्लाह ताला ये तेरा ही काम है। और इंसान समझ जाता है कि ये जो बुत हैं, ये जो कोई कब्र के हैं, ये फला हैं, ये नहीं कर सकते ये सब कुछ, को एक वाकई बड़ा मुदब्बिर है। अल्लाह हु अकबर। मामिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्नी, नहीं उसके आगे कोई सिफारशी मगर उसके इज़्न के साथ। यानी ये अब यहां पे बात बताई गई कि ये लोग कहते थे, अब आगे भी आएगा इंशाल्लाह, आज के सबक में ही आएगा आयत नंबर 18 में, कि ये लोग कहते थे नहीं हम कोई इनकी थोड़ी इबादत करते हैं, असल में तो हम इनके आगे इसलिए झुकते हैं, इनके आगे मन्नतें मुरादें मानते हैं, क्योंकि ये हमारे सिफारिश ही हैं अल्लाह के यहाँ, ये तो अल्लाह के हमें करीब करते हैं। और आपको मैं बताऊं एक बात, कि जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उनसे भी बदतर आज का शिर्क है। आगे आएगा बात भी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आज का उनसे भी बदतर शिर्क है, बिलीव में। और उनको कंफर्म्ड जहन्नमी कहा गया, जो उस अकीदे पे मरे उसको कंफर्म जहन्नमी कहा गया, अबू लहाब था, अबू जहल था। तो आज का फिर मुशरिक कैसे जन्नती हो सकता जो उससे भी ज्यादा गया गुजरा। तो वो कहते थे कि भाई हम कौन सा कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, उनका ये तो प्रॉब्लम ही नहीं था। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं वो अल्लाह को ही नहीं मानते, तो उनको पता ही नहीं था कि, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इंट्रोड्यूस कराया। आपने कितनी दफा इस सूरत में पढ़ा है, सूरा आराफ में, जहां पर पैगंबरों ने जब तबलीग की अपनी कौमों को, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक इलाह की इबादत करो। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि सारे पैगंबरों की भी जो तबलीग थी वो यही थी कि इलाह एक है, तो इसके अलावा तुम किसी की इबादत ना करो, और हमारा कलमा भी यही है। और देखें फिर इसी कलमे को आप देख के, कि आप देखें ला इलाहा, सबसे पहले इस चीज की नफी की गई कि कोई और इलाह नहीं है। और अभी फिर भी हमारे अकायद के अंदर किस कदर शिर्क आ चुका है। आज आप देखें, मैं सोचती हूं कि हमें समझ ही नहीं है, हम वाकई सिर्फ एक
यानी बॉर्न मुस्लिम हो गए तो हमने सोच लिया कि बस ठीक है, हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं सीखने की, ना कुछ जानने की जरूरत है। और वो पैगंबर भी बता बता के अपनी कौमों को थक गए कि या कौम या अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इबादत इबादत, अल्लाह को रब मानो, कुछ नहीं कह रहे थे, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा रब नहीं है, इलाह नहीं है। तो शिर्क है ही इसमें। अब उन्होंने कहा कि हम तो सिफारशी कहते हैं इनको, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई सिफारशी कर ही नहीं सकता उसके आगे, उसकी इजाजत के बगैर। मन सल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बी इज़्नि, तो सिफारिश तो ठीक है होगी मगर जिसको वो इजाजत देगा। कोई खुद नहीं खड़ा होकर सिफारिश करना शुरू हो जाएगा कि जी मैं फलां की सिफारिश करता हूं, इस किसकी हिम्मत होगी ये? वहां तो मुंह से बात नहीं कोई निकाल सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहु रहमान व कला सवाबा, तो हम 30वें पारे में पढ़ चुके हैं कि वो कोई बात करने की भी जुर्रत नहीं कर सकेगा। और बहुत से लोग आज ये सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हमारी सिफारिश करा देंगे ना, हमारे चाहे जिंदगियां बिदतों से भरी हुई है, शिर्क से भरी हुई है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने सच्चे उम्मतियों की सिफारिश करेंगे। उनको तो कह दिया जाएगा इन्होंने आपके पीछे इतनी बिदतें ईजाद कर ली थी, तो सिफारिश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसे फरमाएंगे कि आपने फरमाया कि जब मैं सिफारिश करूंगा तो मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जब पता नहीं अब कितना अरसा गुजरता है, कितना टाइम लगता है, मसलन सदियां गुजर जाती हैं, हजारों लाखों साल गुजर जाते हैं, पता नहीं है, मगर फरमाया जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो वह फरमाएगा कि ऐ हबीब अपना सर उठाएं और मांगे क्या मांगते हैं। तो हमने तो सोचा था ना कि जो कोई कब्र में है, जो कोई कहीं पे भी कब्रें बनी हुई हैं, जो कोई कहां पे भी है, कोई भी उठ के, या कोई किसी ने कहा कि कोई बुत है या कोई ऐरा गैरा है, सारे सिफारशी हो जाएंगे अल्लाह के यहां। आगे आएगा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे बताओगे कि कौन मेरा सिफारशी है, तुम मुझे वो खबर दोगे, मुझे नहीं पता है और तुम मुझे बताओगे, ये भी आएगी बात आगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सिफारिश करेंगे और फिर फरमाया कि उसके बाद भी मैं देखूंगा कि मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नुम में अभी भी। तो फिर ऐसा नहीं कि वो एक दफा इजन मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है शिफात की, तो फिर आप दोबारा शिफात शुरू करवा दें, नहीं, फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे और जो अल्लाह ताला आपको उस वक्त सिखाएगा तस्बीह तकदीस तहमीद वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहेंगे, सजदे में पड़े रहेंगे। और फिर फरमाया फिर जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त तक मैं सजदे में पड़ा रहूंगा और अल्लाह की किबरियाई बयान करता रहूंगा। तो अब वो पता नहीं कितना अरसा है। तो हमने इसको बस मजाक समझ लिया, हम इसको बस ऐसे समझते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वहां पर बस सिफारिशें होती जानी है और चलते जाना। तो अल्लाह ताला चुन लेगा जिसको वो चाहेगा और जिसके लिए वो चाहेगा। तो तुम्हारा रब वो है जिसके इज़्ज़त के बगैर, ये सारी बातें इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी के साथ आ रही हैं, ठीक है, अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ध, अल्लज़ी इस्तवा अलल अर्श, अल्लज़ी युदब्बिरुल अम्र, ये सब बातें जिसके इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। तो ये पत्थर शजर हजर जिनको भी जो तुम मानते हो कि ये है कोई सिफारशी, इनकी इबादत फिर क्यों करते हो? ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, ये तुम्हारा रब, फाबुदू, उसकी इबादत करो ना, इस जैसा कोई हो सकता है? आप देखें, मतलब दुखी होता है, क्या बस कहूं कि ये जो बाज दफा हमारे लोग नातों में इतना बड़ा शिर्क करते हैं, इस कदर बड़ा शिर्क करते हैं कि एक मैंने सुनी और मैंने सोचा कि इसके बाद शिर्क और क्या होगा। और कहीं पढ़ी भी थी ये, और ये पता चला कि ये रमजान में कहीं टीवी पे चलाई गई है और लोग आगे बैठे हुए हैं अपनी इफ्तारी लेके, और वो इफ्तार से पहले कितनी शिरकिया बातें, यानी इस उम्मत को क्या हो गया जिनके कुरान के अंदर ये बात है,
मैं थोड़े से आपको उसके अशार बताती हूँ, शायद आप पहचान भी लें। बहुत लोग झूम झूम के उसके ऊपर बड़ा वाह वाह करते हैं और बड़ा सुभान अल्लाह और बड़ा ही खूबसूरत। अब आप मुझे खुद बताएं कि आपको समझ आती है इसके अंदर शिर्क या नहीं समझ आती। ए सब्ज गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना। अभी मैंने आपको क्या बताया, दुआ क्या है? मुखल इबादा है, इबादत है दुआ। दुआ का दूसरा नाम इबादत है, अ कॉम्पोनेंट ऑफ इबादत। समझ आई? दुआ इज अ यानी उसका जुज है, यानी समझ ले असल उसकी दुआ जो है ना वो इबादत का असल है, उसका मगज है ही इबादत। और वहां पे क्या कहा जा रहा है कि मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करना आ जाना रसूल अल्लाह। अब हम मुझे बताएं इमदाद करने वाला कौन है? जब हम कहते हैं इया का नस्ताइन तो वो क्या है फिर? सारा वक्त हम ये कहते रहते हैं ना, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं, फिर ये क्या है? जब आप किसी और को पुकार रहे हैं इमदाद के लिए और किसी को ऐसी हस्ती समझते हैं कि वो दुनिया से जाने के बाद भी इतनी पावर रखते हैं कि वो आपकी आके इमदाद कर लें। रोशन मेरी तुर्बत को कुछ ऐसे लिल्ला जरा करना, जब वक्त नजा आए आका दीदार अता करना। अब इससे भी आगे आगे सुन ले, इससे भी बड़ी बात। मुजरिम हूं जमाने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूं कमली में छुपा लेना, रुसवाए जमाना हूं दोजख से बचा लेना। आपका जी चाहे तो आप इन अशार को जाके खुद भी चेक कर सकते हैं अगर इनमें कोई मैं बात गलत कह रही हूं। दोजख से बचाने वाला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमदाद करने वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, माशर में भरम रखने वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो भाई खुदा कहां है, अल्लाह ताला कहां है? कहां है अल्लाह? इमदाद भी उन्होंने करनी है, कब्र में भी उन्होंने बचाना है, कब्र में उन्होंने आ भी जाना है मदद करने के लिए, फिर उसके बाद वहां पे भी ना अल्लाह की जरूरत है ना मैदान हशर में अल्लाह की जरूरत है, कहीं पे भी नहीं जरूरत है। और दुआएं भी आपने ही मंजूर करनी है। फिर हम उस वक्त इफ्तार कर रहे हैं और हम ये अशार सुन रहे हैं, यहाँ टीवी पे दिखाए जा रहे हैं और लोग भी वहां बैठे हैं। अब जाएगा जो लोग इफ्तारी का ही वक्त होगा, जो लोग टीवी लगा के बैठे होंगे वो भी सुन रहे होंगे। तो ये हमने अपना दीन किनके हाथों में दिया हुआ? ये कवालियों के अंदर क्या होता है, नातों में क्या होता है? कवालियों में भी आप इसी तरह देख लो, लेकिन हमें उस वक्त मजा बड़ा आ रहा होता है ना, एक रिदम होता है और उस रिदम के अंदर हम ऐसे बह जाते हैं कि हमें ये भी नहीं समझ आती ये बंदा बोल क्या रहा है, और सर सर ढूंढते रहते हैं। तो हमने किसी को तो बात की बात है, हमारी इस उम्मत के अंदर कितना शिर्क आ चुका है, क्या ये शिर्क नहीं है? बिल्कुल ही अल्लाह ताला की जात को तो बीच में से निकाल ही दिया ना, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कदर इसमें केयरफुल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक आदमी आया, उसने कहा जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम मुझे अल्लाह के बराबर करते हो, ये कहो जो अल्लाह चाहे। इतने केयरफुल थे। एक आदमी आया उसने कहा आप दाता हैं, आप देने वाले हैं। आपने फरमाया नहीं, मैं कासिम हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं, बस देने वाला तो अल्लाह है। इतनी बात भी अपने लिए पसंद नहीं की। और आज हमने क्या बना के रख दिया कि सब देते ही ये हैं, और हर कब्र वाले की इनके से सदके तो हमें मिलता है, कहते हमें तो इनके सदके मिल रहा है जो हमारे शहर में, जिसकी भी जिस जिस शहर में जिन जिन की कब्रें हैं, कोई बुजुर्गाने दीन की कब्रें हैं, कहते इनकी वजह से हम भी खा रहे हैं। हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कायनात बनी, वो कहते हैं इसके अंदर शेरों में भी और वैसे भी कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं पैदा किया। कुरान की आयत को भी झुटला देना, कुरान का भी पढ़ाओ तो पता चले ना। अफला तज़क्करून, क्या नहीं तुम नसीहत पकड़ते, तुम्हें समझ नहीं आती है बात? जिसने पैदा किया क्या उसका हक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, सिर्फ उसके आगे सजदा किया जाए, सिर्फ उससे मांगा जाए, सिर्फ उसको अपनी उम्मीदों का मरकज बनाया जाए,
सिर्फ उसके आगे रुकू किए जाए, झुकना है तो सिर्फ उसके आगे झुकना है, ये पेशानी किसी और के आगे ना झुके, इसका पता ही नहीं हमें। इलैही ही मर्जियो कुम जमीआ, उसी की तरफ लौटना भी है तुम्हारा। वअल्लाहि हक्का, अल्लाह का ये वादा है जो सच्चा है कि लौटना है, ये सच्चाई है। इस जगह पे कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको बका हो, सब फानी है। इस बात का यकीन रखना है कि मुझे वापस जाना है और वापस अल्लाह की तरफ जाना है। मर्जियो कुम जमीआन, इलैही ही की जमीर किस तरफ जा रही, वो अल्लाह इन्ना रब्बकुमुल्लाह इस तरफ जा रही है, किसी और की तरफ नहीं वापस जाना। और ये अल्लाह ताला का वादा है जो होके रहेगा। और इसका, इस वादे की दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि इन्नहु यबदाउल खल्का सुम्मा युईदुहु, उसी ने पैदा किया पहली दफा, इब्तदा की पैदाइश की, वो दोबारा लौटा देगा। दोबारा लौटाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। और किस लिए वो ऐसा करेगा, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों लौटने की जरूरत है, क्यों एक दिन जरूरत है कि खड़े हों उसके सामने? लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त, इसलिए ताकि वो जजा दे उनको जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए इंसाफ के साथ। और किस लिए वो करेगा ये दिन, इस दिन को वो क्यों लेकर आएगा? वल्लज़ीना कफ़रू, और उनको भी जजा दे। जजा अरबिक में ना अच्छे और बुरे दोनों बदलों के लिए आता है। और जिन्होंने कुफर किया, लहुम शराबुन मिन हमीम वअदाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, ताकि वो जो जो जिन्होंने कुफर किया उनको हमीम खोलते हुए पानी का पीना और दर्दनाक अजाब दे, इस वजह से जो उन्होंने कुफर किया। ये मकसद है कयामत के दिन के आने का, इसलिए कि इस दुनिया में कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। अव्वल तो आप देखें, जिसके हाथ जितने लंबे होते हैं वो वैसे ही बच जाता है सारी जिंदगी, पता ही नहीं चलता कई लोगों का, वो मुजरिम है, छुपे ही रहते हैं, वो पकड़े ही नहीं जाते। और ये तो उन मुजरिमों की बातें हैं ना कि जो सबके सामने कोई जुर्म हुआ और साबित हो गया। कई तो ऐसे हैं जिन जो पता ही नहीं लगने देते, किसी को भी नहीं पता उस जुर्म का करने वाला कौन है, लोगों को धोखे देने वाला कौन है, लोगों के साथ झूठ बोलने वाला कौन है। आज तो बहुत ही ज्यादा ये दौर डिसेप्शन का दौर है, धोखे का दौर है। जो झूठा है वो सच्चा बना हुआ है, जो सच्चा है वो झूठा बना हुआ है, जो बेईमान है वो ईमानदार अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, जो ईमानदार है वो उसको लोग बेईमान समझते हैं। तो यानी ये ऐसा दौर है, इस अब इसमें इंसाफ हो ही नहीं सकता। मजलूम आप देखें, सिसकियां भर भर के बाज दफा मर जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। और जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, जो बड़े नामों वाले या बड़ी शख्सियात या बड़े पैसों वाले होते हैं, वो कैसे साफ ही निकल जाते हैं। और बाज दफा कई मजलूमों को इंसाफ मिलता भी है तो ऐसे बुढ़ापे में जाके कि उसको कोई फायदा ही नहीं होता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, जितना डिले हो गया तो समझ जाएगा क्या इंसाफ है वो फिर। और फिर किसी ने 100 को कत्ल किया, उसको एक दफा अगर कत्ल की सजा, मौत की सजा दे भी दी तो ये कोई इंसाफ तो नहीं है। तो यहां पे नहीं हो सकता। इसी तरह वो जो ईमान लाके साले अमल करने वाले थे, जिन्होंने अपने घर बार छोड़े अल्लाह ताला के लिए, उन्होंने वो कुर्बानियां दी, अपने रिश्तों को छोड़ा, लोगों से बातें सुनी, अपनी जॉब्स को छोड़ा, गिव अप किया, अपने घर बार को छोड़ा, उनकी कोई सुनवाई है? अब हम देखें, एक हमारा ना मुंह से एक यूजुअल एक कलमा जो निकलता है ना, वो पता है क्या निकलता है? यहां कोई पूछने वाला नहीं है, निकलता है ना, यहां कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी जो करता जा रहा है। नहीं, पूछने वाला कोई है, लेकिन उसने अभी मोहलत दी हुई है, क्योंकि उसने एक दिन रखा है जिस दिन उसने फिर पूछना। तो ये ना समझना कि जो भी करते जा रहे हो वो पता नहीं कहीं गायब ही हो रहा है। नहीं, कोई है जो लिख भी रहे हैं, तुम्हारा रिकॉर्ड भी बन रहा है, कोई है जो देख भी रहा है, जो पूछेगा भी एक एक बात का। तो उस इस इंसाफ का जो वो मुनसिफ है, वो इंसाफ करने वाला ना, तो इस इंसाफ का तकाजा ये था कि उसको कि ये दुनिया में जिसने जो किया उसका बदला उसको दिया जाए,
ये उसकी इंसाफ का तकाजा था। अल्लाहु अकबर। और इसके लिए कोई ये ना समझे कि अगर आज कोई जा रहा है, कोई कोई मतलब किसी जगह से छूट जाता है साफी और उसका कोई या पता ही नहीं चलता किसी का, तो पता नहीं इसी तरह होगा, कौन इसने पूछना है जी, कहाँ इंसाफ है जी, कौन पूछने वाला है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अल्लाह ताला पूछेगा, और जब उसने पूछना है ना तो बड़ी अच्छी तरह पूछेगा। तो ये मकसद है कियामत का। आप देखेंगे कई लोग रिवर्टेड होते हैं, वो कितनी कुर्बानी देते हैं, कितनी ज्यादा कुर्बानी देते हैं कि जो शायद मुसलमान जो बॉर्न है वो सोच भी नहीं सकते उसका। और फिर वो सारी जिंदगी अपने खानदान वालों की तरफ से सफर करते हैं या और कई चीजों में सफर करते हैं, यहां पे तो उसका कुछ भी उनको नहीं मिल रहा। तो क्या एक दिन होना नहीं चाहिए? इसी तरह एक कोई अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने के लिए बहुत बातें सुनता है लोगों से। या बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बड़े टॉर्चर बर्दाश्त किए, जिन्होंने अपनी जानें तक दे दी दीन की खातिर, इस कलमा हक की खातिर, क्या उनका कोई नहीं पूछने वाला होना चाहिए? तो इंसान की फितरत भी कहती है कि नहीं, एक होना चाहिए, जो दिन होना चाहिए जिसमें सबका पूछा जाए। ये तौहीद आखर जो अकीदा आखरत है ना, ये अकीदा आखरत भी इंसान के अपने अंदर है, उसको लॉजिकल लगता है ये, ठीक है। और अकीदा तौहीद में भी वाकई इंसान को पता चलता है नहीं, वाकई एक खुदा है और इबादत फिर वाकई उसी की होनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो अकल से भी बियॉन्ड है, उनको समझ ही नहीं आने वाली, ये क्या, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। तो ये है मकसद, हुवल्लज़ी जअला अश्शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा। अच्छा, अब तुमने अल्लाह ताला की पहचान नहीं होती ना, एक और तारुफ उस रब का ये है जिसने, अब देखें ये रबूबियत, तौहीद रबूबियत से तौहीद उलूहियत को साबित किया जा रहा है हर जगह पे, हर जगह पे। इन द एंड कंक्लूजन यही है, वो वाला, वो रब, वो जिसने ये पैदा किया, जिसने ये किया, जिस उसकी इबादत करो ना, तो इससे असल में आपको उसी तरफ लाया जाता है कि अपने मर्जियां, अपने तरीके, अपने अकीदे, अपनी ख्वाहिशात, जो भी किसी ने अल्लाह ताला की हुक्मों के अलावा या उसके बताए हुए तरीके के अलावा किसी ने जो भी ऐसे खुद साख्ता कोई चीजें बनाई हुई हैं, या जैसा जो उनकी रस्म रिवाज है या जो उनकी कौम जिस तरीके पे है उस पे चल रहे हैं, तो नहीं, वो सब छोड़ के फाबुदू। इंसान की अकल को अपील करती है ये बात कि जोड़ो सारी बातें कि फलाने ने ये कहा, हमारे तो बड़े ये करते थे, हमारे तो फलाने ने ये हमें बताया था, हमारा तो जो जो हमारे चर्च में है वो ये बताते हैं, जो हमारे मंदिर में है वो ये बताता है, जो हमने हमेशा से सुना है वो ये, इस सब को छोड़ो। इतने लोग ये कर रहे हैं तो क्या वो सब पागल, इस सब को भी छोड़ो, तुम ये आयतें पढ़ो और बताओ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया सूरज को, जिया दिया के अंदर रोशनी भी होती है और इसमें तपिश भी है, हरारत भी है, ठीक है, हीट भी है। और कमर को नूर बनाया, उसके अंदर भी रोशनी है लेकिन उसमें ठंडक है। मैंने आपको जैसे बताया कि इनके टेम्परेचर्स कितने कितने हैं, इनके कोर का टेम्परेचर, इनके ऊपर का टेम्परेचर अगर आप पढ़े ना, जमीन के मुकाबले में तो सूरज ही 100 गुना बड़ा है, यानी कितनी मिलियंस, एक मिलियन यानी 10 लाख जमीनों को आप जमा करेंगे तो फिर एक सूरज बनता है। ये आप अपनी जमीन को ही बहुत बड़ा समझते हैं, देखें कितना बड़ा है ये सूरज, और सूरज तो कुछ भी नहीं और इतने सितारे सैारे हैं। और देखें ये सिर्फ ये नहीं कि बस सूरज उसने बना दिया, एक बॉल खड़ा कर दिया और वो रोशनी दे रहा है, बल्कि सूरज और चांद बनाए और वक़द्दर हुई मनाजिला और उनकी मंजिलें मुकर्रर की, तालमो आदत से सीनी ना वल हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती कर सको और हिसाब कर रख सको। आप देखें टाइम जो है दिन का, ये आप सूरज के जरिए डिटरमिन करते हैं कि अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी शाम हो गई, यानी दिन कितना अभी तक मुकम्मल हो गया, कितना रहता है, आपको सूरज के जरिए पता चलता है। अच्छा, जिस दिन अंधेरा हो जाए, बिल्कुल ऐसे बादल आ जाए, पता ही नहीं चलता,
तो ये टाइम का भी अंदाजा, वो तो अब हमारे पास घड़ियां हैं तो हम कुछ ना कुछ उसे करते हैं, लेकिन अदरवाइज टाइम का अंदाजा सूरज के जरिए होता, हमारी नमाजों का हिसाब सूरज के साथ है, ठीक है, सूरज ढल गया, सूरज गुरूब हो गया, सूरज निकल आया, तो इस तरह से। और जो चांद है इससे तारीखें हैं, महीने हैं, महीनों की गिनती है, सालों की गिनती है, और इसमें बड़ी हिकमतें हैं। अभी हमारे पास चूंकि टाइम नहीं, हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है, आज का जो लेसन है ना इसमें बहुत कुछ है, तो इंशाल्लाह फिर कभी आएगा तो मैं दोबारा इसकी डिटेल के अंदर जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इसको, ये बात को समझ लें कि ये भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिनके जरिए इंसान ना सिर्फ रोशनी और जैसे सूरज है हीट है उसके जरिए लेता है और दिन का अपना अपना स्केड्यूल करता है, चांद भी इसी तरह, वो भी रात में एक चमकने वाला और ठंडक देता है, और इसके अंदर भी, इसके जरिए भी तारीखों का तायुन किया जाता है, निसाब किताब रखा जाता है। तो ये हमें एहसास दिला रहे हैं, सूरज और चांद को तो सभी देख रहे हो ना, तो तुम इससे नहीं सीखते हो, सूरज और चांद खुद बता रहे हैं कि हमारा कोई चलाने वाला है। आप देखें इसका बैलेंस, अगर आप इसको कभी स्टडी करके देखें तो कितना जबरदस्त डिस्टेंस का वो है, एक्यूरेट है कि सूरज इतने फासले पर है। साइंसदान कहते हैं अगर ये थोड़ा सा करीब होता ना तो जला देता हर चीज को जो जमीन पे, और थोड़ा दूर होता तो जमीन फ्रीज हो जाती। तो कौन है जिसने इस तरह से इतनी एक प्रिसीजन के साथ, इतना इतना फासला होना चाहिए जिससे जमीन पे लाइफ मुमकिन है, किसने रखा? 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज हमसे, किसने ये फासला नाप के रखा? और वो भी रोटेट कर रहा है, जमीन भी रोटेट कर रही है ताकि हर तरफ सूरज की रोशनी आए। 8 मिनट में पहुंचती है सूरज की ये रोशनी और हरारत हम तक, इतनी दूर है ये। तो कौन है करने वाला? और दूसरे सितारों के मुकाबले में इतना छोटा है ये, और सितारे इससे इतने बड़े बड़े हैं, लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं इससे, तो किसने इसको हमारे लिए रखा? मा खलक अल्लाह ज़ालिक इल्ला बिल हक। देखिए ना, वही वाली बात है ना कि वो जो अक्ल वाले हैं पहले भी आ रहे हैं, इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहारि लआयातिल लिउलिल अल्बाब। सूरा आले इमरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के बाद उठते थे तो आखिरी की आयतें पढ़ते थे ना, तो उनमें स्टार्ट ही इससे है कि ये जमीन आसमान में, ये सब दिन और रात के आने जाने में, ये सब निशानियां हैं, लेकिन अक्ल वालों के लिए, बाकी तो देख के तो परवाह भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मा खलकल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक, ये अल्लाह ने ऐसे ही नहीं पैदा किया, ये हक के साथ ही ऐसे ही नहीं है। अब हम कितनी वेकेशंस में जाते हैं, कितने सीनिक चीजों को देखते हैं, बड़ी खूबसूरती, और फिर वाह वाह करके बस आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया हक के साथ। हक मीन्स वॉट? हक का मतलब है सच्चाई तो है ही, हक का मतलब है विद पर्पस, बा मकसद पैदा किया। ऐसे ही नहीं कि जैसे वो उन्होंने बना लिया, एक मजहब वालों ने कहा कि भाई वो ये तो खेल के तौर पे बना लिया, खेल के तौर पे बनाया है, जो भी उदा उसने खेला और उसने ये चीजें बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है, बा मकसद, उसकी हर चीज में मकसद है कोई। और दूसरा इसका माना, दूसरा भी इसका माना आप लिखें आज, क्योंकि ये भी बड़ा जबरदस्त माना है कि हक वो चीज होती है जिसको अपने आप को साबित करने के लिए कोई खारजी सबूत की जरूरत नहीं होती, कोई एक्सटर्नल कोई उसको प्रूफ नहीं चाहिए होता, वो खुद अपने आप को साबित कर रही थी। जैसे कुरान हक है ना, इसको साबित करने के लिए आपको कोई दलीलें लाने की जरूरत नहीं, उस जिस जो जो जिसके सामने आपने साबित करना सो कहीं कुरान पढ़ लो, ये खुद अपने आप को साबित करेगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, उनको साबित करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप उनको कहें कि आप खुद उनकी जिंदगी को पढ़ें, जब उनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो खुद वो मुंह बोलता सबूत जिसको कहते हैं, वो जिंदगी खुद साबित करेगी कि ये नबी की जिंदगी है। तो लिहाजा जो कोई जानना चाहता है ना, जो कोई अपने सारे बायस पीछे करके और फिर वाकई आंखें खोल के देखे,
तो उसको समझ आ जाती है। तो किसने बनाया और कितना पर्पसफुल बनाया, कितना प्रिसाइज बनाया। आप कलर्स में ही देखें तो सुभान अल्लाह ऐसी खूबसूरती है कि ये किसने कलर स्कीम की। आपको ना बहुत कोई बड़े फिलोसोफर या बड़ी बड़ी फिलसफी बातें या बड़ी गहरी कोई दूर की निकाल निकाल के लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आप कह रहे ना कि ये सब कुछ किसने पैदा किया, वाकई वो पैदा करने वाला एक, और उसकी तारीफ बयान करने इतना ही काफी है। अब ये नहीं कि हाँ जो हमें तो बातें आती नहीं है, पता नहीं कोई गहरी बात हम निकाल के लाएंगे ना तो फिर ही कोई मतलब हमने वाकई हक अदा की। ठीक है, जो कोई गहराई में जाना चाहे वो अपनी बात है, लेकिन हर एक बंदे को इतना नहीं इंटेलेक्ट होता कि वो कोई बहुत ही गहरी बातें कर सके। सिर्फ इतना भी देख के और उसको मान लेना कि ये अल्लाह तू ही वाकई इबादत के लायक है, मुझे तो तेरे ही आगे झुकना चाहिए। या अल्लाह जिस रब ने ये सब कुछ बनाया और मेरे लिए बनाया, तो फिर ये है तौहीद। तो असल मकसद है तौहीद तक पहुंचना इस सबसे। ये कायनात में जो निशानियां है ना, इनको अल्लाह ताला ने आयात कहा, एक आयात कुरान की है, एक आयात जो है ये कायनात की है, इसीलिए ये आगे आ रहा है युफस्सिलुल आयात लिकौमिन यालमून। उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, अल्लाह ताला अपनी आयात को खोल खोल के बयान करता है। एक आयात कुरान की हो गई, ठीक है, एक आयात ये कायनात में फैली हुई है, ये भी निशानियां अल्लाह की, इनसे भी इल्म वाले सीखते हैं, समझते हैं और जान लेते हैं कि इस कायनात का वाकई कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं है ये। इन्ना फी इख्तिलाफ़ अल-लैल वन-नहार, बेशक इख्तलाफ में रात के और दिन के, ये दिन और रात के आने जाने में, वमा खलकल्लाहु फिस-समावाति वल-अर्ध लआयातिल लिक़ौमिन यत्तकून। जो दिन और रात का आना जाना ये इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, और जो आसमान और जमीन है ये इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह की। यानी मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, ये सारी जो गैलेक्सीज का, खरबों अरबों खरबों सितारों का, और कैसे डिस्कवरीज हैं, और कैसे वो कहते हैं कि ये तो अभी जो हमने देखा यूनिवर्स ये उसकी बातें हैं, भाई अभी तो बहुत कुछ है जो हमने देखा नहीं है, साइंसदान खुद कहते हैं। तो इसके अंदर निशानियां हैं उनके लिए जो तकवा वाले हैं। तकवा मतलब क्या, यानी जो खौफ खुदा रखने वाले, या वो वाले लोग जो हर दम अल्लाह की नाराजगी से बचना उसकी तड़प रखते हैं और अल्लाह ताला को राजी रखने की ख्वाहिश रखते हैं ना, उनके लिए वाकई निशानी है। और बाकी उन्होंने गुजरते जाना है, दिन और रात हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हम अपने काम करते हैं। कौन सा बंदा नहीं है जो दिन और रात को महसूस ना करता हो, कौन सा बंदा नहीं है जो जमीन और आसमान को ही कहे कि हम मुझे इनका पता ही नहीं है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है इनको समझने के लिए। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए कि इन सब को देख के असल में अल्लाह ताला को पहचाने, मखलूक को देख के खालिक को पहचाने। लेकिन लोगों के रवैये क्या होते हैं, बड़ी जबरदस्त आयत आगे आ रही है, और ये आयत डिपिक्ट करती है मोस्टली लोगों के रवैयों को जो इस दुनिया में। आपकी तवज्जो की जरूरत है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ला यर्जुना लिकाना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते, उनको हमारे से मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेती फिर आपको भी समझाती। वरादू, और वो राजी हो गए, बिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी पे ही राजी हैं, इस पे इसमें ही खुश हैं। वतमअन्नु बिहा, और मुतमईन हो गए इस पे, कंटेंटेड हैं, दे आर ओके। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और वो हमारी आयात से गाफिल हैं। अल्लाह अकबर, इसमें असल में अक्सरियत लोगों की साइकी बताई गई है, दुनिया परस्त, दुनिया में ही मशगूल। और ये क्या आज अक्सरियत का हाल नहीं है, है ना, कि दुनिया में ऐसे गर्क हो गए हैं कि उनका हम और गम, उनकी सारी फिक्रें, सारी परेशानी, सारा गम यहीं का,
इवन एक एक किसी खातून ने तो मेरे सामने कहा, उसने कहा हाँ मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी दुआएं मांगती हूँ और सभी मांगते हैं, लेकिन मैं आपको सच कहूंगी दुनिया की ज्यादा मांगती हूँ, आखरत की कोई इतनी नहीं मांगती। मैंने कहा अल्लाह कितना कितनी बदनसीबी है। असल में इंसान को जब पता ही नहीं है कि वो क्या फेस करने जा रहा है आगे, तो वो क्या सोचेगा। अल्लाह अर्जुना लिखा ना, उनको आगे की उम्मीद ही नहीं है ना कोई। अब मैं आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं कि इंसान मुंह से बोल के कहे कि मैंने नई मुलाकात करनी। देखिए जो इस दुनिया में राजी हो गया है ना, असल में उसके पीछे अगर आप देखें तो वाकई पता चलता है अकीदा है आखरत जो है ना वो कमजोर है। अल्लाह ताला की मुलाकात का जो अकीदा है ना उसमें कमजोरी है। इसी वजह से फिर यहां का इकतदार, यहां का पैसा, यहां की वाहवा, यहां की शोहरतें, यहां पे सारी अपनी एफर्ट्स को खपा देना, इसमें इंसान लग जाता है। हर उसका एक्शन जो है ना वो टुवर्ड्स दुनिया ही होता है, कुछ और उसको समझ ही नहीं आती, कुछ सुझा ही नहीं देता। सिर्फ यही उनकी एक्सटेंट है जहां तक उनकी एफर्ट है, उनकी सोचों का जो महवर है ना वो यही है। किसी के सर पे घर सवार है, किसी के सर पे बिजनेस सवार है, जैसे कि यही मकसद हयात है। किसी के जॉबें सवार हैं, किसी के करियर सवार है, ये सोच बस जाती है तो यहीं पे। उनको कहां फुर्सत है, किसके पास इतना टाइम है जनाब, या क्या दिलचस्पी है कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है। वो जब करनी होगी तो कर लेंगे, इससे आगे वो देखते ही नहीं ना, देखना चाहते हैं, ध्यान ही नहीं जाता। कभी कोई याद भी दिला दे ना तो कन्नी कतराते हैं, घबराहट होती है उनको ये सुन के। इसलिए क्योंकि ये जिसको वो मुहावरा जो है ना वो पूरा होता है, वो जो मुहावरा ना रंग में भंग, कोई कहते रंग में भंग ना डालो। हम तो मस्त हैं अपने मजे में कर रहे हैं, तो वो क्या बीच में आके ये आखरत है, वो अल्लाह के आगे जवाब देना है खड़े ना, ये क्या बातें बीच में शुरू कर दी है। असल में जब इंसान के पास दुनिया में आसाइशें बहुत हो जाती हैं, पैसे की खुशादगी होती, समझ तो आती नहीं खर्च कहां करना है। खर्च करने के लिए पैसे मचलते हैं, किधर उड़ाएं किधर दिखाएं, चैन नहीं आता। अब जाहिर है एनर्जी इंसान की एक जगह ही लग सकती है ना, पैसा कमाने में एनर्जी लग रही है, उसको दिखाने में एनर्जी लग रही है। ये तो नहीं हो सकता कि आप दो दो चीजों पर फोकस करें। इंसान कभी नहीं हो सकता कि वो दोनों दुनियाओं पे इक्वल फोकस रखे। यकीन जाने आप मेरे से लिखवा लें, ये नहीं हो सकता। मैंने इसको करके देखा है। अगर मैं खुद नहीं करके देखा होता तो मैं आपको, जहां पे आप थोड़ा सा इधर फोकस करते हैं ना, उधर की चीज जो है ना ओझल होने लगती है। ऑल द टाइम यू हैव टू बी स्ट्राइविंग फॉर दैट, ऑल द टाइम वो आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। आपने उधर से फोकस हटाया ना किसी भी वजह से, यहां पे लग गए यहां की मैं जरा कर लूं, यहां के जरा कामों को, यहां के जरा घर बना लूं, यहां की जरा बिजनेस कर लूं, यहां की जरा, अब आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। एक फोकस होता है ना, एक होती है नजर में कोई भी चीज, देखिए अब इस वक्त आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपका फोकस आपका सिपारा होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। अब और भी चीजें आपके इर्द गिर्द पड़ी हैं, कंप्यूटर पड़ा, फोन पड़ा, वो आपको दिख रहा है, लेकिन एक चीज होती है जो जिस पे आपकी नजर मरकूज होती है, वो सेंटर होता है जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं। अगर यहां पे आप फोकस करते हैं ना, यकीन करें आखरत फोकस से निकल जाती है तो सही, हाँ है मानते हैं हम, कौन सा इनकार थोड़ी करते हैं, मगर जिसको कहते ना बैकग्राउंड में चली जाती है, वो जाती है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में जाती है। मेरे से लिखवा लें ये बात आज। और जिसके ईमान मजबूत होता है ना, वो फिर जिसको ये होता है ना कि अल्लाह ताला से मिलना है, अल्लाह की मुलाकात है, तो अब परेशानी होती है कि उसको नाराज करके तो नहीं मिलना। अगर उसको नाराज कर लिया तो फिर कैसे उससे मुलाकात करूंगी, फिर क्या चैन से बैठ सकते हैं। फिर देखें फिर इंसान किसी बात भी नहीं बैठ सकता, इसलिए कि फिर वो कहते हैं ये जिंदगी तो टेम्परेरी है, ये काम टेम्परेरी है, असल तो मुझे वहां जाना है। फिर वो नहीं कर सकता कि वो सारी अपनी एनर्जी यही खपा दे, फिर वो नहीं कर सकता कि वो बेप्रभाव के बैठ जाए।
वही बातें जो दूसरों को डिप्रेस करती हैं, वो इन बातों से एनर्जी लेता है। वो कहता है मैं सुनूं ये बातें ताकि मैं उठूं और मैं करूं काम। तो अब जो बातें दूसरों को डिप्रेस करती हैं वो यही है ना कि वो बस यही की अपनी सारी अपनी एनर्जी यही खपा रहे हैं, इसलिए कि आखरत उनके फोकस से निकल गई है। और ये कहता है कि मुझे एक दिन मुंह दिखाना है, उस हस्ती के आगे खड़े होना है, अगर मैं इसी तरह चली गई जैसे मैं जिंदगी गुजार रही हूं, बेयर मिनिमम पे या लीस्ट जो कर सकती हूं, या किसी का तो लीस्ट भी पूरा नहीं होता, बेयर मिनिमम भी पूरा नहीं होता, ठीक है, फराइज भी पूरे नहीं हो रहे, तो वो फिर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर वो तो हर वक्त यही सोचता है ना कि मेरा ये काम अल्लाह ताला को कैसा लगेगा, मैं ये काम कर रही हूं ये अल्लाह की नजर में कैसा होगा, इसमें मुझे कोई आखरत का फायदा भी है कि ऐसे ही बेकार कर रही हूं। तो ये हम सब के लिए एक गौर करने की बात है कि कहीं हम इनमें से तो नहीं जिनकी टांग टूटती है तो बस यही टूटती है इसी दुनिया के कामों में, इसी के धंधों में, इसी की परवाह में, इसी की खुशी और गम में, इसी की फिक्रों में। तो क्या हम उनमें से तो नहीं है? इसीलिए फिर जब दुनिया ही फोकस बन जाती है तो फिर अगर कोई कहे कि पढ़ो कुरान को तो वो फिर कहते हैं टाइम ही नहीं है, क्या करें। इसलिए कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है, फोकस हर चीज की तरफ से, ये भी काम जरूरी, ये भी काम जरूरी, मेरी पढ़ाई भी जरूरी है, मेरा घर भी जरूरी है, मेरे बच्चे भी जरूरी है, मेरा फेसबुक चेक करना भी जरूरी है, मेरा व्हाट्सएप पे बैठना भी जरूरी है, मेरा ये भी शॉपिंग भी जरूरी है, फोन पे बातें करना भी जरूरी है, दावतें भी जरूरी है, जिम भी जरूरी है, सारे कुछ ही जरूरी है, मगर कुरान इतना जरूरी नहीं है जितने ये सारे काम जरूरी हैं। यही कहना चाहते हैं ना। इसीलिए तो उनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम कमी लाने दे। हाँ, कुरान पढ़ा या ना पढ़ा क्या फर्क पड़ता, इसलिए कि रहना तो यही है ना, यही के सारे काम मेरे मुकम्मल हो जाएं। अगर ये सोच होती कि मैंने तो जाना है तो इन कामों में सारे काम जरूरी है, ये नहीं कह रही कि काम जरूरी नहीं है, सारे जरूरी है, मगर इन कामों में कहीं कमी लेकर आते, कोई काम रह भी जाता तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, अगर रह भी गया तो कोई नहीं, हो जाएगा, वहां के लिए बना दो, यहां तो गुजारा चल ही रहा है। फिर ये नहीं करते कि एक जॉब है तो दूसरी शुरू कर दे, फिर ये नहीं करते कि फारिग बैठे हैं तो बजाय कुरान पढ़ने के कहें चलो जॉब शुरू कर देती हूँ, फारिग क्यों बैठी हूं, पढ़ा किस लिए, ये पढ़ते तो हम इसीलिए हैं ताकि हम पैसा कमाएं। तो बात तो मुंह से बोल के कहते हैं ना कि आखरत को हम नहीं मानते, और अक्सरियत की जिंदगी ऐसी है जिसमें आखरत का कोई नामो निशान है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी नहीं, जैसे कि इट डजंट एग्जिस्ट। उनको बताएं आप क्या कहेंगे, उनको ही आप कहेंगे ये इनका आखरत पे ईमान है। और अक्सरियत का जैसे जिनका हाल यहां बयान हो रहा है कि रदू बिल हयात दुनिया वतमअन्नु बिहा, कि वो राजी हैं दुनिया की जिंदगी पे ना, तो उनका तो हाल ये होता है जो राजी हो जाते हैं कि उनको होता है कि हमें जरूरत ही क्या है, हमें नेकियां करना या खुद अपने आप को इधर हलकान करना या कोई बड़ा कोई इबादत करना या कोई नमाजें पढ़ना या कोई कुरान पढ़ना या कोई ऐसे काम करना, ये हमें इसकी जरूरत ही क्या है, हमें तो सारे काम हो रहे हैं। तो जिनको कोई मुश्किलात हैं जिंदगी में या जिनको कोई मसले हैं या जो बेचारे इस तरह कोई नहीं उनके पास इतना है, तो या ये जो फारिग आंटीज हैं उनको चाहिए कि वो पढ़े, हमें क्या जरूरत है, हम तो यंग हैं और हम अभी हमारे पास सभी को यंग लगता है ना अपना आप, तो हमारा तो टेस्ट खराब हो जाता है इससे, वो सुनना नहीं चाहते, मजे खराब हो जाते हैं ना, जाहिर है जो कि गर्क है यहाँ पे उसका मजा खराब ही होगा जब आप उसको कहेंगे कि तुम आखरत के को फिक्र करो, अल्लाह के आगे खड़े होना है। और फरमाया वल्लदीना हुमा आयाती ना गाफिलून, देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया काफिरून,
उफर नहीं करते, गाफिल है, गाफिल, डोंट केयर एटीट्यूड, तवज्जो ही नहीं, गफलत है कि मतलब आयते हैं तो हैं, हमें इससे क्या, हमारी जिंदगी में और बहुत सारे काम हैं, और बड़े हमारे मसले हैं जी, हम इनकी तरफ तवज्जो करें, ये गफलत है, सोए पड़े हैं। तो जिसको अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन हो जाए ना, देखें पहली बात ही ये बताइए ला यर्जुना लिकाना, उससे आगे ये चीजें फूटती हैं, फिर वाकई इंसान दुनिया की जिंदगी पे मुतमईन होता है, मुतमईन है मतलब हैप्पी, दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड। पहले भी एक दफा बताया था कि एक दरस में कही था, मैंने उनसे पूछा कि आप सेटिस्फाइड हैं कि मतलब अपनी जिंदगी से आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि आगे एक दिन आए तो आप लोग मतलब आपका सारा तैयारी पूरी है, तो एक ने कहा हाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हम तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। अब ये देखिए ना कि इंसान कितना मुतमईन है, वो बैठा हुआ उसको ये कोई परवाह नहीं है कि आगे कोई जहन्नुम है, आगे कोई इतनी बड़ी आग है, अगर मेरा वहां उस दिन ये फैसला हो गया कि इसको जहन्नुम में डालिए तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे चीखूं चिल्लाऊं जोर लगाऊं, कोई मुझे बचाने वाला नहीं होगा, मेरा क्या बनेगा, कब्र अंधेरी है मैं उसके अंदर जाऊंगी, क्या बनेगा मेरा। देखिए जिसको ये फिक्र हो जाए ना, जिसको अल्लाह के आगे खड़े होने का एहसास हो जाए, यकीन हो जाए, वो सुस्ती कैसे कर सकता है, उसको तो चैन ही नहीं आएगा। जिसके जहन पे ये बात सवार रहती हो ना, वो तो कितनी दफा पत्नी अपने आप को अल्लाह के आगे खड़ा करता हुआ तसव्वुर करेगा, मैं हूं और मेरा रब है और मेरे से पूछ रहा है मेरा क्या बनेगा, मैं किधर जाऊंगी। वो तो फिर हर वक्त अपने अमाल नामे को ही चेक करता रहता है, इसमें क्या भरा और क्या नहीं है, किससे खाली है, मुझे और क्या करना है, मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं। कोई बात नहीं, शॉपिंग होती नहीं होती कोई बात नहीं, ये चीज रहती है कोई बात नहीं, फलानी चीज होगी कोई बात नहीं, उस पर भी बेयर मिनिमम पे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वहां पे तो बेयर मिनिमम पे गुजारा नहीं हो सकता। बेयर मिनिमम लेके गई तो वो भी ना कबूल हुआ तो क्या होगा, हमारे तो बेयर मिनिमम में भी इतनी गलतियां होती हैं, हम तो सिर्फ फर्ज भी अदा करते हैं तो इतनी गलतियां होती हैं, तो वो कहीं रिजेक्ट हो गया वहां पे तो क्या होगा, पता नहीं अल्लाह मेरी से इस वक्त खुश भी है कि नहीं खुश है, पता नहीं जब मैं मेरा आखिरी वक्त होगा उस वक्त मेरी ईमान की हालत क्या होगी, कितनी सोचें आती हैं, लेकिन उनको कोई सोच ही नहीं है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। क्या आप मानते हैं ये बात कि अक्सरियत इस वक्त दुनिया की इसी में, अक्सरियत, चाहे आप मुसलमान उठा के देख लें, गैर मुस्लिम का तो क्या ही कहना, वो तो बिल्कुल ही मतलब पार हो चुके हैं, उनका तो क्या बात कहना है, इसका अकीदा ही सही ना हो। मैं तो अपने मुसलमानों का कहती हूँ, ये कितने आराम से कह के चले जाते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, कितने आराम से, कौन सी चीज आपने दुनिया की और कोई छोड़ी हो ये कह के कि मेरे पास टाइम नहीं, कोई ड्रामे कोई फिल्में कोई एंटरटेनमेंट कोई सैरो तफरी कहीं वेकेशन पे जाना, उसी को आप पूछ लें कोई वेकेशन पे जाना, ये नहीं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, कहेगा ना कोई बात नहीं मैं छुट्टी ले लूंगी, मैं अपनी छुट्टियां जमा कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं किसी तरह वक्त निकाल ही लूंगी। आप फ्री टिकट दें ना किसी को, फ्री टिकट दे दें, फ्री होटल दे दें, उनको पूछे, उनको कहें नहीं नहीं आपके पास तो टाइम नहीं होगा ना, नहीं वो कहेंगे नहीं आप फिक्र ही ना करें हम तो टाइम निकाल लेंगे। हाय लेकिन आखरत के काम ही ऐसे क्यों है कि उनके लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वजह पता है क्या, ला यर्जुना लिका, इनको असल में उम्मीद ही नहीं है, इनका ये इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है। अल्लाह अकबर, एक बात मैंने कहीं पढ़ी के सुनी, बड़ी प्यारी बात थी कि सुभान अल्लाह, कोई इंसान भी इस दुनिया से जब जा रहा होता है ना तो कोई भी नहीं ये कहता, कोई भी नहीं ये कहता कि मैंने फलां मूवी नहीं देखी तो मुझे तो वो मूवी देखनी है, कोई ये नहीं कहता मैंने फलां ब्रांड का कपड़ा नहीं पहना, मैंने फलां जगह शॉपिंग करनी थी वो नहीं की, मुझे फलां गाड़ी का बड़ा शौक था उसमें बैठने का मैंने उसकी राइड नहीं ली, फलानी जगह मुझे वेकेशन पे जाने का शौक था मैंने वो जगह नहीं अभी देखी, या मैंने अपनी जॉब पे अभी तरक्की नहीं की अभी तो मुझे तरक्की करनी थी, या मैंने तो अभी अपना घर बड़ा बनाना था, या मैंने अपने घर को डेकोरेट करना था, अभी कोई भी नहीं कहता।
जितने मरने वाले लोग होते हैं, कितना भी कैसा हो वो नहीं ये कहता, मगर जरूर ये कहता है, या ये मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अभी इतनी नेकियां करनी थी। तो वो जब पर्दे उठते हैं ना इस दुनिया की, जो मोहब्बत के और गफलत के और इसमें जो मस्त हैं, उस नशे का, जो ये नशा दुनिया का चढ़ा हुआ है ना, हम सबको चढ़ा हुआ है, सारों को चढ़ा हुआ है, कोई भी नहीं इसमें फारिग। ये जो नशा चढ़ा हुआ ना, वो नशा उतरता बड़ी मुश्किल से, असल में कुरान ये नशा उतारता है, और नहीं उतरेगा तो मरने के वक्त उतर जाना है, सबको उतर जाना, बड़ा अच्छी तरह होश आ जाएगा। हज़रत अली का एक कॉल आता है ना कि लोग सोए भी हैं और उस वक्त जागेंगे जिस वक्त मौत आएगी। हम सोते हैं वो सो गया, हमेशा के लिए सो गया, नहीं वो सोया नहीं, वो तो जाग गया, हम मैं जो सोए में। उलाइका माहुमुन नार बिमा कानू यकसिबून, यही लोग हैं, इनका ठिकाना आग है, इस वजह से कि जो कमाई करते रहे। कमाई इनकी अपनी थी ना, कि ध्यान नहीं दिया अल्लाह की आयात की तरफ, उनसे गाफिल है, दुनिया पे ही मुतमइन रहे, हालांकि कितनी छोटी है, इसमें इन्होंने जी लगा लिया था, इसमें ही सेटिस्फाइड बैठे थे, और उनको यकीन ही नहीं था कि यहां पे कभी आना है, उनकी जिंदगी बताती थी कि यकीन नहीं था। इन लदीना आमनु आमिलु सालिहात यहदीम रब्बुहुम बी ईमानिम, और इसके बराक से एक वो ग्रोह भी है जो ईमान लाए, साले अमल करे करते रहे, तो अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करेगा, अल्लाह खुद उनको गाइड करेगा उनके ईमान की वजह से। यानी अल्लाह ताला हदा यहदी का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, तो अल्लाह उनको रास्ता दिखाएगा, उनको लेके चलेगा, समझ लें जैसे हम ले मैंस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अल्लाह उनकी उंगली पकड़ के उनको जन्नत तक ले जाएगा, अल्लाह उनको रास्ते दिखाएगा उनकी ईमान की वजह से। और दूसरा माना मुफसरी ने किया है कि बी का माना होता है ना एक के बवजह, और एक साथ का भी माना होता है, तो अल्लाह उनको जन्नत की तरफ ले जाएगा उनके ईमान के साथ, के साथ साथ उनका ईमान होगा, जैसे कि हम सूरह तहरीम में देखते हैं कि वहां पे है ना, नूरुहुम यसआ, नूरुहुम यसआ बैन ऐदीहिम व अयमानिहिम, उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके साथ साथ, उनके राइट साइड पे और उनके आगे आगे, अब वो दुआएं करते जा रहे होंगे, रब्बना आतमिन लाना नूराना, तो वो नूर उनका ईमान है, ये उनका ईमान है जो नूर बन गया, जिसकी रोशनी में ये चलते ही चले जा रहे हैं जन्नत तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह उनको इसकी रहनुमाई करेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमारी गफलतों को दूर करें और इस दुनिया में तौफीक दे कि हम अपने लिए आखरत के लिए कुछ कमाई कर सकें। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, बहती हैं इनके नीचे से नहरें, जन्नत नेमतों वाली में पहुंच जाएंगे ये, ऐसी जन्नत जिसमें नियमते ही नियमते हैं, कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग्स। अल्लाह अकबर, दावाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, उनकी वहां पे पुकार क्या होगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, उनकी पुकार यानी जब भी उन्होंने कोई बात करनी होगी ना, तो जैसे उनकी, जैसे हम अपनी जुबान में, हर एक की जुबान में कुछ अल्फाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में आपने किसी को पुकारना हो, को बुलाना हो ना, तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, या उर्दू में आप कहते हैं बात सुने, सुनिए कहते हैं ना, तो या कुछ लोग कहते हैं हेलो, तो इस तरह से करके आपकी कुछ टर्म्स हैं, तो वहां पे जब वो पुकारेंगे तो वो कहेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो इस तरह से वो पुकारेंगे, चाहे अपने खादमों को पुकार रहे हैं, तो मसल कोई चीज खाना चाहेंगे तो वो कहेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा, कहते ही 10,000 खादम हाथों में सोने के कटोरों में खाना लेकर हाजिर हो जाएंगे, सब में से ये खाएंगे। और वतहियतुहुम फीहा सलाम, और उनका वहां पे ग्रीटिंग्स एक दूसरे को, जब मिलेंगे एक दूसरे को तो उनके हेलो हाय नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, सलाम कहेंगे। आजकल बहुत सारी जगहों पर हमारे मुसलमानों में
इस चीज को समझा जाता है, बड़ा बड़ा मॉडर्न समझा जाता है कि हम हेलो हाय करके बात करें, और कोई सलाम करता है ना तो वो पूरा अजीब सा लगता है कि ये क्या दकियानूसी सा पुराना सा और पता नहीं मौलवी सा बात है। तो वो हाय हेलो करके स्कूल्स कॉलेजेस में इसमें हेलो हाय के साथ बात करते हैं, जो मतलब जहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन देखिए, सलाम मुसलमान की पहचान है। सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम करो सलाम को, और हमने सलाम की जगह और चीजें ले ली। ठीक है, आप गैर मुस्लिमों को नहीं करेंगे सलाम, लेकिन अपने मुसलमानों के साथ तो सलाम से ही बात करें। तो ये वहां पे एक दूसरे को सलाम के साथ ग्रीट करेंगे। देखो सलाम कहाँ तक जाता है, जन्नतों में भी सलाम है। आखिर दावाहुम अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनकी जो आखिरी बात होगी ना, वो जो भी कलाम करेंगे तो एंड में जो बात होगी वो क्या होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब भी एक दूसरे से जुदा होने लगेंगे या कोई बात का इख्तिताम करेंगे या कोई चीज का भी एंड इस बात पे किया करेंगे। तो देखें वहां पे कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद और किस तरह से सलाम सलामती की बातें आम जिंदगी में भी अल्लाह ताला हमें यही सिखाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा बाथरूम से निकलने से के बाद, फिर सोने से उठें तो तब, फिर उस तरह से और छींक मारें तो तब। तो बहुत सारी जगहों पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा सिखाया जाता है मगर हम नहीं कहते। मगर वहां पे देखिए हर एक बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो अल्लाह ताला की तस्बीह है और उसकी हम्द है, वो हदीस में आता है कि जन्नतियों से इस तरह अदा होगी जैसे सांस चलता है। जैसे आप हर वक्त सांस ले रहे हैं ना और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हैं, इसी तरह उनको इल्हाम होगा। ये तस्बीह तहमीद ये उनको इल्हाम होगी, यानी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई कहने वाला नहीं होगा जी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, कोई याद कराने वाला नहीं होगा, कोई स्टिकर नहीं उन्होंने लगाए होंगे अपनी हर जगह पे कि मुझे याद आ जाए तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के लगा लूं, ऐसे नहीं होगा। खुद ब खुद निकलता जाएगा और कोई मुशक्कत नहीं होगी उनको, कोई मेहनत नहीं करनी होगी इसके लिए, आसानी से ऐसे आएगा जैसे सांस आती है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये होंगे उनके अल्फाज वहां पर, ये होंगे उनके कलिमात वहां पर कि जिससे वो एक दूसरे को पुकारेंगे बुलाएंगे, एक दूसरे से बातचीत ऐसे करेंगे, फिर बीच में बातें करें एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह पे करेंगे। और अल्लाह ताला की तरफ से भी इनको सलाम आएगा, फरिश्ते भी हर दरवाजे से आके सलाम करेंगे। तो कितनी प्यारी वो मजलिसें होंगी। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हु, ये इन मजलिसों में अल्लाह ताला हमें भी शामिल करते। तो शुरू बात अल्लाह ताला की सुबहाना सुबहाना मीन्स के हर ऐब हर मोहताजी हर जोफ हर कमजोरी से पाक, और अलहम्द में क्या है ऐसी तारीफ जिसमें शुक्र के जज्बात हो। और आपको पहले भी बताया था कि जब जन्नती जन्नत में भी जाएंगे ना तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला हदानल्लाह। वो कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इसकी हिदायत दे दी, हम हमारे ऊपर होता तो हमें तो नहीं, हम तो नहीं ये हिदायत पा सकते थे। तो वो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कितने फितनों कितनी जगह फिसलने की थी जिनसे अल्लाह ने उनको बचा के यहाँ पहुंचाया, कितनी जगह थी जहां पे वो पीछे रह सकते थे और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम फरमाया और उनको यहां तक पहुंचा दिया। देखिए ना इस दुनिया में बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या अट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन तो ये दीन से डिस्ट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट इतना करती है अपने अंदर कि आप उसमें गुम हो जाते हैं, इतनी गफलतों में डालने वाली चीजें हैं, आपको दीन से डिस्ट्रैक्ट करने वाली इतनी चीजें हैं। और फिर माहौल भी ऐसा है, लोग भी ऐसे मिलते हैं आपको ज्यादातर, फिर इसी तरह आप जिस तरफ जाते हैं एक गफलत है, एक गफलत है, आखरत से गफलत, खुदा रसूल से गफलत, दीन से गफलत। और इसको तो बल्कि एक भारी चीज ही समझा जाता है कि इसके अंदर पढ़ने की क्या जरूरत है।
बाबर के ऐश कोश, आलम दोबारा नीस, कि यहाँ पे ही ऐश करो, खुश रहो, मस्त रहो, छोड़ो सब कुछ कि दोबारा थोड़ी आना है, एक दफा जिंदगी मिलनी है, मजे करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जिंदगी का स्लोगन बना लिया मैं। तो जहां हर तरफ ऐसी चीजें मिलती हैं ना, वहां पे वाकई फिर इंसान फिसल जाता है। तो अल्लाह ताला ने कितनी जगहों से बचा के मुझे यहां पहुंचाया, उसको कदर उस वक्त समझ आएगी। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि जहन्नुम से बचा लिया, अल्लाह अकबर। फिर इंसान की जो एक आदत है उसकी तरफ इशारा है, और अल्लाह ताला की करम नवाजी है इंसान के ऊपर। वलो यु आजिलुल्लाहु लिन्नास शर, और अगर जल्दी दे दे अल्लाह लोगों के लिए बुराई को, इस्तेअजालहुम, जल्दी मांगना उनका, बिल खैर, खैर को, लकुदिया इलेहिम अजलुहुम, तो अलबत्ता जरूर पूरी कर दी जाती उनकी मोहलत अमल, यानी उनको फिर मौत ही दे दी जाती, हलाक कर दिया जाता। क्या मतलब है? वलाहु युआजिरुल्लाहु लिन्नासि शर, अगर अल्लाह भी जल्दी करे लोगों के लिए शर देने में, जिस तरह वो अपने लिए खैर मांगते हैं, जैसे वो अपने लिए खैर की दुआएं करते हैं ना, इसी तरह लोग जब बददुआएं करते हैं, अल्लाह उन बददुआओं को भी उसी तरह कबूल करने लगे जैसे लोग अपने लिए खैर की दुआओं को चाहते हैं कि कबूल हो, और अल्लाह कबूल करता है, तो कोई भी जमीन में जिंदा ना बचे, उनकी मोहलत ही खत्म कर दी जाए। इसलिए कि इंसान बाज दफा गुस्से में, बाज दफा जज्बात में, बाज दफा जल्द पनी की वजह से, अपनी जल्दी तबीयत की वजह से कहता है बस ये हो जाए, बस ये ऐसे हो जाए, वरना फलाने के ऊपर लानत, फलां फलां के साथ ये, कभी गुस्से के अंदर कहता है, चलते चलते चोट भी लग जाए, कहते हैं लानत है इसके ऊपर, इस आग लगी इसमें इसको। अब वो अगर अल्लाह ना करे इंसान के घर में आग लग जाए तो क्या हो, चूल्हे में पड़े ये, फलाने को ये हो जाए, कितनी बातें हम बुरी बुरी मुंह से निकालते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का बड़ा ही तहम्मुल है, और बड़ा ही उसकी रहमत है इंसान के ऊपर, कि इंसान के अंदर ये जो जल्द मिजाजी है, ये जो इंसान बदुएं करने लगता है, ये जो इंसान कर्ज करता है ना चीजों पे, तो अल्लाह उनको कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला उनको उस तरह से फौरी इंसान के लिए नहीं कर देता। जैसे इंसान तो चाहता है ना जल्दी जल्दी मुझे अच्छी चीजें तो जल्दी मिल जाए, तो अल्लाह ताला नेकी को तो फौरन ही उसके आमालनामे में लिख देता है, लेकिन बुराई करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको भी डिले करता है। अगर बुराई को भी फौरन लिख ले तो भी लोग हलाक हो जाएं, ये भी इसका दूसरा माना है। अब जैसे वो बद्दुआएं करते हैं, उनको भी वैसे ही कबूल करने लगे जैसे दुआओं को करता है, तो भी इंसान हलाक हो जाए। तो दोनों इसके माने हैं ना, कि इसी तरह नेकी और बुराई का भी आप माना ले सकते हैं, कि अगर बुराई को भी अल्लाह ताला उसी तरह लिख दे और उसी तरह उसके बदला देने लगे, बल्कि अल्लाह ताला तो देखिए इंसान को इतनी मोहलत देता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है कि तुम इसकी तौबा का इंतजार करो, अगर ये तौबा कर लेता है तो मत लिखो, कुछ साथ के लिए फरिश्ते भी डिले करते हैं, यह हदीस में आता है। और फिर अल्लाह ताला भी इंसान को फौरन कोई सजा नहीं दे देता, अल्लाह ताला उसको मौका देता है, सारी जिंदगी उसको मौका देता है कि वो पलट आए, अल्लाह उसकी तौबा का इंतजार फरमाता है। और ये इंसान ही है ना कि इतना जालिम है कि गलत कारियां करता भी है तो पलटने की फुर्सत नहीं, उसको सोचता ही नहीं है। तो फरमाया अगर मैं भी जल्दी करूं इसी तरह ना सजाएं देने में, लोगों की बुराइयों के बदले देने में, जैसे वो अपने भलाइयों के लिए चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे करने लगे तो जमीन के ऊपर कोई चलने फिरने वाला ही ना रहे। तो इंसान तो कितनी गलत कारियां करता है, सारा दिन में कितने गुनाह कर जाता है, कितनी गलतियां होती हैं, और बद्दुआएं तो इंसान फौरन ही मांगने लगता है, किसी को भी जरा सी किसी से हुई नाचाकी तो फौरन ऐसी बद्दुआएं दी, और बाज दफा अपनी ही चीजों के ऊपर बद्दुआएं करने लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया, फरमाया अपनी जान और माल पे बद्दुआ ना करो। कभी कभी इंसान कहने लगता है ना मैं मर ही जाती तो अच्छा था, मैं तो ना ही जिंदा रहूं,
अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं दे देता, मुझे उठा क्यों नहीं लेता, ये दिल दिखाने से पहले कभी अपने आप पे इतना करने लगता है, कभी अपने बच्चों को ही कह देता है अल्लाह करे तुम लोगों का सत्यानाश हो, अल्लाह करे तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए। तो अब बेड़ा गर्क होना पता है कितनी बड़ी बात है, बेड़ा होते है शिप गर्क हो जाए किसी का, आप पता नहीं क्या क्या मुंह से कह रहे होते हैं। तो फरमाया अपनी जान और माल पे बद्दुआ ना करो, ऐसा ना हो कि किसी कबूलियत की घड़ी में मुआफकत कर जाए और वो बद्दुआ कबूल हो जाए, कबूलियत की कोई घड़ी हो और उस वक्त वो बद्दुआ कबूल हो जाए। आपको नहीं पता ना कौन सी कबूलियत की घड़ी हो। अल्लाह अकबर। असल में वैसे तो अमूमी माना भी है इसका, लेकिन मुशरिकीन मक्का का आपको पता है कि वो लोग कैसे कहा करते थे, अगर ये रसूल है अल्लाह की तरफ से, अगर ये सच्चा है तो हमारे पर अल्लाह करे पत्थरों की बारिश अल्लाह हमारे ऊपर कर दे, हमारे पर ऐसे हो जाए, तो तुम अपने ऊपर ही मुसीबतें मांग रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया फनदर उल्लदीन यरजून लिक़ाना फी तुग़यानिहिम यअमहून, तो हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, उनकी सरकशी में भटकते फिरते हैं। वो वैसे भी पीछे से भी आप लेकर आए तो जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, फिर अल्लाह भी उनको जाने देता है, जिस तरफ जा रहे हो जाओ इसी में गर करो। ये जो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है पूरी दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह के नजदीक। और ये हमें भी समझ आ जानी है, जिस वक्त हम जाएंगे ना यहाँ से तो समय ये वाकई हमें मच्छर के पर के बराबर भी नहीं लगेगी, ये अभी लग रही है। तो अल्लाह ताला भी फिर ठीक है उनको उसी पे जाने देता। देखिए ना ऐसे लोगों का सुभान अल्लाह ये जो फरमाया ना कि वो इस पे मुतमईन है, ये आपको पता है कितनी बड़ी बात है। यानी ये बता रही है कि इंसान को एहसास भी खत्म हो जाए, एहसास जया भी ना रहे, जैसे आज उम्मत मुस्लिमा का हाल है ना, एहसास जया भी नहीं रहा कि हम किस तरफ निकल गए, हमारा क्या हाल हो गया, हम किस जगह आज पहुंच गए हैं, वो भी नहीं रहा। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को फिर जो उससे मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते, देखिए अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है जो अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता। और फिर एक इंसान की बड़ी एक साइकी यहाँ पे बताई गई और बहुत जगह कुरान पे में ये आया, वह इदा मसल इंसान दुर्रु, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है ना, वैसे दुनिया में इतना गर्क है, वैसे मुतमईन है, वैसे ये है, लेकिन जब उसको तकलीफ पहुंचती है ना, दाना पुकारता है हमको, फिर उसको अल्लाह याद आ जाता है, ली जम्बी ओ कायदन ओ कायमन, करवट पे बैठे खड़े। आप देखिए एक पिक्चर इंसान की अल्लाह ताला ने डिपेक्ट की है, देखिए एक इंसान आपको सोचे, एक इंसान है लेटा हुआ, लेटे भी चैन नहीं आ रहा, बैठ गया बैठे हुए भी चैन नहीं आ रहा, खड़ा हो गया चल रहा है, ये जब इंसान के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आती है ना, देखा इंसान का यही हाल नहीं होता, ये उसकी पिक्चर है ना, लेटे चैन ना बैठे चैन, बस अल्लाह ये बस ये मेरी चीज, ये मेरी मुसीबत दूर, हाय अल्लाह मेरी ये मुसीबत, हाय अल्लाह मेरे, इतने वादे इतना वो, इतना बेकरार होके उसको पुकारता है, मुसीबत की घड़ियां उसको लगती हैं इतनी लंबी हो गई हैं, वो वजीफे कर रहा है, वो लंबे लंबे रुकू और सजदे हो रहे हैं, वो रातों को उठता है तहज्जुदे पढ़ रहा है, ये कर रहा है, फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, फिर जब हम हटा देते हैं उसकी तकलीफ को, मर्रा चला जाता है, का अल्लम यदउना इला दुर्र मसहु, ऐसे कि जैसे उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं तकलीफ में जो उसको पहुंची, ऐसे लगता है कि कभी वो भूल ही गया कि उसने कभी किसी रब को भी पुकारा था। ओ सुभान अल्लाह। देखिये पिछले दिनों ही किसी ने मेरे से एक बात शेयर की, बहुत मैंने लर्न किया उनकी बात से, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ बड़ी दीन के ऊपर बहस करते थे, और जैसे समझ लें जैसे ऐसे इंसान होता है ना कि दीन के बारे में शकूक व शुभात और दीन के बारे में इतराजात और वो सब चीजें। तो वो कहती हैं कि मुझे कोविड हो गया, और कोविड में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि डॉक्टर ने सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया कि बस इसके अंदर या तो ये आ रहे हैं या पार है, या तो रहेंगी या नहीं, और उनके हस्बैंड खुद डॉक्टर थे तो उनको तो सारी समझ आ रही थी कि क्या है। तो वो कहती मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्या मैं मरने लगी हूं,
तो कहती है उन्होंने कहा नहीं नहीं और कहती मैंने धुंधला सा देखा, उन्होंने हाथ उठा दिए, वो बंदा जो ना कोई नमाज पढ़ता हो ना कोई सही दीन को फॉलो करने वाला और पता नहीं कितने एतराजात और अल्लाह की जात के बारे में क्या क्या कहने वाला, उस बंदे ने भी हाथ उठा दिए। और मैं ये सोच रही थी कि देखो अल्लाह चाहे ना तो इंसान को इस तरह घुटने टिकवा सकता है, इस तरह गिरा सकता है वो कि तुझे तू नहीं आता ना तो अल्लाह ताला चाहे तो तुझे ऐसे करवा दे। अब तो मानना ही है ना, अब इंसान फिर मान मानने बगैर और क्या चाह रहा है, एक ही तो जात है। वो जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी हाथ उठा देता है कि अल्लाह तू अब बचा ले, होता या नहीं होता ऐसे? तो इंसान को अल्लाह चाहे तो इस तरह मजबूर करके भी ला सकता है कि अब भी तो आए हो ना, अब भी तो मानना है ना, मनवा तो ले, लेकिन वो चाहता है कि तुम खुद आओ, वो चाहता है कि किसी मुसीबत को नहीं उसको बेच के तुम्हें मजबूर नहीं करना, वो चाहता है तुम अपनी फ्री विल से उसकी तरफ आओ। कमाल तो वो है, वरना तो काफिर भी जाते थे अपने शिप्स में तो वो भी कहते थे अब किसी ने नहीं बचाना, अब एक अल्लाह ही है जो बचाएगा। तो मुसलमानों तुम्हारा फिर बड़ा क्या कमाल हो गया, वो तो काफिर भी कहते थे। और सितम देखिए देखिए इससे भी अगली बात, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्मुसरिफीन मा कानू यअमलून, इसी तरह खूबसूरत बना दिए गए हद से बढ़ने वालों के लिए जो वो अमल करते थे। यानी फिर ये अमल भी उनको खूबसूरत ही लगता, उसकी भी उनके पास तावील है, उसके पर भी मुतमईन है, खुश है। उनको ये नहीं होता कि हम कितने मतलबी हैं, कितने बेवफा हैं। देखिए आप उस रब्बुल आलमीन जिसकी इतनी एहसानात आपके ऊपर है कि आपका रुआ रुआ उसके एहसानात में दबा हुआ है, वो अगर कोई मुसीबत नहीं भी भेजता तब भी आप उसके आगे झुके रहे कि हर वक्त आप उसके एहसानात तले। लेकिन जब वो मुसीबत भेजता है फिर तुम उसको पुकारते हो, फिर वो तुमसे मुसीबत भी दूर कर देता है, तो कोई एहसास तो हो। हल जजा लेसान लेसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? और एक जानवर भी समझता है ये बात कि उसके ऊपर भी एहसान किया जाए। तो तुम्हें और कोई बात भी नहीं समझ आती, तुम यही सोच लो इस रब ने मुझे इस मुश्किल से निकाला, मैं इसके सामने कभी सर उठा नहीं सकता। लेकिन इंसान कितना नमक हराम है, इंसान क्या करता है फिर वो उसको मुजयन कर दिएगा, फिर वो वापिस उसी दुनिया के अंदर चला जाता है, उसको याद भी नहीं रहता कि मैंने कभी दुआएं भी की थी, मैं कभी अल्लाह के आगे रो रो के सजदों के अंदर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के ये मांग भी रही थी, मेरे पर कभी ये मुसीबत भी आई थी जिसमें मैंने किसी को पुकारा था, बिल्कुल भूल जाता है। और ये बात उसको कोई यानी उसको कभी इसके ऊपर कोई पिछतावा या निदामत नहीं है, मुजयन कर दिया गया। जैसे कुछ लोग कहते ना हाँ जी हम नमाज पढ़ लेते हैं, जिस वक्त कोई मुश्किल आती है तो फिर हम नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद नहीं, यानी कोई दिल के अंदर वो नहीं है कि हाय ये हम क्या कर रहे हैं, कोई अंदर दिल में इस चीज के ऊपर रिग्रेट नहीं है, कोई जमीर नहीं है जो कि कहता हो कि क्या है, नहीं उनके लिए मुजयन कर दिएगा, मुतमईन है इस पे, ठीक है जो हम कर रहे हैं ना ठीक है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। जिस वक्त मुसीबत आए उस वक्त अल्लाह अल्लाह, जब मुसीबत टल गई तो फिर कौन अल्लाह और क्या बातें और कौन सी नमाजें और कौन से वजीफे भाई। हाँ तो असबाब जब जवाब दे देते हैं ना तब तो तुम्हें बहुत अल्लाह अल्लाह नजर आता है, और फिर जब उसे निकल आते हो तो कभी तब भी तो अल्लाह को याद कर लो, उसी ने तो तुम्हें निकाला, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ आती है अल्लाह तूने ही अब निकालना है, अल्लाह तूने ही अब करना है, हाय अल्लाह मेरी मुश्किल। अब देख लें कभी बच्चों के इम्तिहान होते हैं कितने वो दुआएं करते हैं कितने वो, ये नहीं कि अल्लाह से दुआ नहीं करनी चाहिए, करें, मगर यहां पे किस रवैये को बताया जा रहा है कि उससे बचना है, वो ये कि जब आपकी दुआ कबूल हो जाती है और आप उस मुश्किल से निकल आते हैं उसके बाद तो और अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, उसके बाद तो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की फरमाबरदारी में लगना चाहिए। अब देखें कई लोग इतना दुआएं करते हैं, अल्लाह दिन को ना रात को चैन है, अल्लाह हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, जब हो जाती है रिश्ता तय हो गया उसके बाद याद ही नहीं, को अल्लाह तो याद ही नहीं है, फिर और चीजें याद है,
कि भाई हम शादी की तैयारियों में नमाजें भी जा रही हैं, फिर उसके बाद शादियों में भी अल्लाह माफ करे जो कुछ होता है सबको पता है, किधर रह गया अल्लाह जिसको इतना पुकारते थे। और हम अपने लिए अगर इसको रख के देखें ना तो कभी हम बर्दाश्त ना करें। वाकई ये अल्लाह का हिलम है कि वो हमें बर्दाश्त करता है। हमारे कोई रिश्तेदार ऐसे आ जाए ना जो हमें मतलब के वक्त फोन करते हैं, जब उनको मुश्किल पड़ जाते तो बहुत हम उनको याद आ जाते हैं, और बाकी टाइम तो हमें पूछते ही नहीं है, तो हमें बड़ा ही फिर गुस्सा चढ़ता है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ हम ऐसा ही कर रहे होते हैं। वलकद अहलकनल कुरून मिन कब्लिकुम, तो अब अगली दफा हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमने ऐसा रवैया नहीं करना। वलकद अहलकनल कुरून मिन कब्लिकुम लम्मा ज़लमू, और अलबत्ता तहकी हलाक किया हमने कौमों को तुमसे पहले जब उन्होंने जुल्म किया। وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, उनके पास रसूल आए थे खुले दलाइल लेके, लेकिन वो नहीं ईमान लाने वाले। यानी बड़ी बस्तियां गुजरी, कर्न मतलब क्या, एक एक जमाने के लोग, कौम वैसे तो कर्न एक उसको जमाने को कहते हैं, लेकिन जमाने के लोग मुराद हैं। तो तुमसे पहले बहुत सारे लोग हलाक हो चुके हैं जो इसी किस्म के काम करते थे, जब उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने शिर्क किया, अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जुल्म बाइस बनता है हलाकत का, जुल्म एक रीजन है जिसकी वजह से कौमों को तबाह कर दिया जाता है। तो तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले भी बड़े लोग आए हैं जो यही काम करते रहे हैं, उनके पास भी रसूल आए थे निशानियां लेके, लेकिन नहीं वो ईमान लेकर आए। कज़ालिका नज़ल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम जजा देते हैं फिर मुजरिम कौम को। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्द, फिर हमने अब तुम्हें बनाया खलीफा जमीन में, मिन बादिन उनके बाद, किस लिए, लिनंदुरा कैफा तअमलून, के अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो। उनकी बातें तो सुन के बहुत सोच लेते हो, आए देखो कैसे थे वो बनी इसराइल, देखो ऐसे भी कोई कर सकता है, देखो इतने नाशुक्र है, देखो इतने बुरे लोग, इनको क्यों नहीं समझ आती थी। तो ठीक है, अब तुम्हें तो समझ आ गई ना, अब तुम्हें खलाइफ बनाया है, तुम्हें जानशीन बनाया है। खलीफा कौन होता है, जो एक के बाद दूसरा आने वाला। तो अब तुम्हें बनाया जमीन में कि अल्लाह ताला अब तुम्हें देखेगा तुम करते क्या हो, तुम भी पिछलों की रविश पे चलते हो या तुम अपने आप को बदल के चलते हो। मजा आ गई बात, दूसरों के कहना तो आसान है कि अच्छा इंसान ऐसे भी करता है कि वो रात दिन और पहलू पे खड़े बैठे लेटे अल्लाह को पुकारा है, फिर उसके बाद तकलीफ दूर होती तो ऐसे करता है, ऐसे भी कोई लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह अब देखेगा तुम ऐसे तो नहीं करते। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयात जो रोशन है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वाज़े हैं, क्लियर हैं, तो قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, देख रहे हैं बार बार किसकी तकरार आ रही है, ला यर्जुना लिकाना, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, बीमारी यही है जिसकी वजह से फूटती हैं ऐसी चीजें, जिसकी वजह से इंसान ऐसी बातें करता है कि उसको असल में अल्लाह से मुलाकात का कोई उम्मीद नहीं, यानी कोई उसको सोच नहीं है अल्लाह की मुलाकात की, कोई यकीन नहीं है अल्लाह की मुलाकात का। तो फिर वो क्या कहते हैं, इती भी कुरान वही हाजा और बदल हो, अब भाई ये कुरान इसके ऊपर तो हम अमल नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई कुरान लेकर आओ, या फिर चलो पूरा नहीं लेकर आ सकते तो चलो इसमें कुछ एडिटिंग कर दो। ये था मुतालबा मुशरिकीन मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस कुरान पे तो अमल नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह माफ करे नऊज़ बिल्ला शिद्दत पसंदी सिखाता है, तो इसलिए लिहाजा कोई और कुरान लाया जाए, इसकी कोई ऐसी तफसीर को, अब कुरान के अल्फाज तो बदल नहीं सकते। तो वो ना इकबाल ने कहा ना, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते, तो वाकई फिर कुरान की ऐसी जैसी तफसीरें करके लाते हैं कि अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं कहां से निकाल के लेकर आते हैं। नहीं जी, वो उस जमाने में ऐसा होता था,
उस जमाने में सूद ऐसा था इसलिए वो हराम था। उस जमाने में असल में मुनाफिकीन थे इसलिए औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया। उस जमाने में चूंकि ये चलता था रिवाज तो इसलिए ऐसा हुआ। तो इसका मतलब तो कुरान तो उस जमाने के लिए ही था ना, कुरान के हराम और हलाल भी उस जमाने, यानी इंतहा इंतहा इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि किसी ने यह कहा कि खंजीर भी उस जमाने में बहुत गंदगी का था, आज तो साफ सुथरी है, तो अब उस वक्त तो फिर हराम था और आज तो फिर नहीं हुआ ना हराम। और ये भी किसी का सुना कि उन्होंने कहा कि भाई कुत्ते पालने पहले जमाने में हराम होते थे, वो तो ऐसे कुत्ते होते थे ऐसे, अब तो देखें कितनी अच्छी नस्ल के ये जो कुत्ते हैं ये हम पालते हैं, तो इसमें तो नहीं कुछ होना चाहिए। यानी हर चीज में तुमने निकाल लिया, मतलब कुरान हदीस सब बदल के रख दिए, खुद अपने मन माने माने कर लिए, जो खुद दिल करता है कहते वो तफसीर लेकर आओ, अपनी जो मनमानियां करनी है। अब कुरान के अल्फाज नहीं बदल सकते, अब तफसीरों को बदल दिया, जिसमें ये कहना तो सबसे आसान है कि तो उस जमाने में तो ऐसा होता था इसलिए ये था। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया कि आप क्या जवाब दें, जब उन्होंने कहा बदल के ही ले आओ क्योंकि इस पे नहीं हमसे चला जाता। उनका भी यही प्रॉब्लम था तो आज का भी यही प्रॉब्लम तो है, कुरान से भिदकते हैं, कुरान ना पढ़ाओ। अब वैसे आप मजलिस कर लें जिसके अंदर कोई मसलन कुछ और पढ़ा जा रहा हो, कुछ और किया जा रहा हो, वो मजलिस आप कर लें, इधर उधर के कोई वसीफे कोई ये लोगों को बुला के पढ़वा लें, लेकिन देखें कुरान को बदलने का तो वही कह सकता है ना जो अमल करने के लिए समझता है इसको, कि इस पे हम नहीं चल सकते। सिर्फ वो तिलावतें ही करनी है तो वो तो उनको भी कोई मुश्किल नहीं थी, तिलावत कर लेते। वो बदलने का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे लिए हार्ड है, इसके ऊपर चलना ये बहुत हार्ड है, हम नहीं इस पे चल सकते, इसको चेंज करें आप। ये कौन कहते हैं जिनको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं, वो इतनी दीदा दलेरी से ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल के आओ, क्योंकि अल्लाह का कलाम हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, वो ये कह सकते हैं ना, वो इतनी बड़ी जुर्रत कर सकते हैं ना। नाउज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि कब किसको किस चीज की जरूरत होगी, उसने क्या ऐसा कलाम नाजिल कर दिया कि जो लोगों के लिए काबिल अमल ही ना हो। इंसान को भी उसने पैदा किया और इस कलाम को, ये कलाम भी उसका है, तो क्या उसको नहीं पता कि इंसान की क्या जरूरत है, और क्या उसको या फ्यूचर का नहीं पता। अल्लाह अकबर। कोई कह दीजिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिल्क़ाई नफ्सी, कह दीजिए कि मेरे लिए नहीं है ये कि मैं बदल दूं इसको अपनी तरफ से। इन अत्तबियू इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं मैं पैरवी करता मगर उसकी जो वही किया जाता है मेरी तरफ, मैं तो बस वही करता हूं जो मेरी तरफ वही किया जाता है। यानी मेरा इसके अंदर ना कोई बस है ना मैं इसको कोई अपनी तरफ से चेंज कर सकता हूं, ना कोई और नया ला सकता हूं, एक हर्फ भी नहीं कर सकते। बल्कि सूरह कलम में है ना, मेरे सामने आयत नहीं है अब इस वक्त की, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आप इसको बदलते तो हम आपकी रगे जहां से आपको पकड़ लेते। ये छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, तो कैसे कोई ये सोच सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया आप कह दीजिए कि मैं तो फॉलो करता हूं इसको जो वही किया जाता है मेरी तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसीर भी बताई है इसकी वो भी अल्लाह की तरफ से है। और आपने सबसे पहले इस पे खुद अमल करके बताया इन्नी अखाफु इन आसैतु रब्बी, मुझे डर, मैं तो डरता हूं कि अगर मैं नाफरमानी करूंगा ना अपने रब की, आज़ाब यौमे नज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से मैं डरता हूं। ये मैं भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि पता नहीं वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुड़ा लेना है तो हमारे जैसे मुजरिमों को भी वो छुड़ा के ले जाएंगे, और पता नहीं अल्लाह ताला की तो नाउज़ुबिल्लाह कोई बात वहां पे टाली भी हो तो वो खुद ही अल्लाह के फैसले को बदलवा लेंगे, अल्लाह ताला हमें सजा देना चाहे लेकिन वो हमें बचा के ले जाएंगे। वो क्या फरमा रहे हैं, वो खुदा का खौफ करें ऐसे लोग, कभी कुरान को तो खोल के पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अनाम में भी हमने ऐसे पढ़ा था और यहां पे भी वही बात है
कि मुझे तो खुद डर लगता है कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, इतने मर्तबे पे पहुंच के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि आप साफ इनको बता दें कि मैं तो खुद डरता हूं कि अगर मैं नाफरमानी करूंगा तो मेरा क्या बनेगा। और आप सोचते हैं कि वो जिसकी उनको दिल करेगा ले जाते रहेंगे वो जन्नत में, नहीं है। ये तो अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर नहीं है। तो वो शिफात भी करेंगे तो अल्लाह के इज़्ज़न से, जिसके लिए अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उनके दिल में डालेगा। खुद अपनी मर्जियां नहीं वहां चलेंगी। कब्र में भी आके वो इमदाद कर रहे हैं जी, वहां पे भी जाके वो उन लोगों को लेके जाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब यहां पे ये कुरान को देखे ना पहले, हम उन बातों को तो भी ऐसी फैंसी बातें बनाना और ऐसे शेर कलाबे मिलाना ये तो आसान ही, और पता नहीं जो ये शायरी लिखते हैं उनका दीन ईमान का आपको क्या पता कि उनके अकीदा क्या है, उनका आपको क्या पता कि उनको कितना समझ है दीन की। जाहिर है ऐसे ही है, बस कलाबे मिलाए वो जो जिस पे लोग जितना ही बड़ी बात कर सको उतना ही अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दो कि बस वो तो ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, यानी आपने तो कोई खुदा रसूल में कोई फर्क ही नहीं रहने दिया। रसूल को भी अल्लाह माफ करे कि खुदा ही बना दिया, जबकि रसूल ये फरमा रहे हैं कि मैं भी अगर नाफरमानी करूं अपने रब की तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लाह ताला माफ फरमाए हमें। कुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम भी, कह दीजिए नबी आप इनको कह दें। देखिए सब बातें क्लियर कुरान के अंदर आ रही हैं, उसके बाद भी हमें इनोसेंट माने रहेगा, हमें पता ही नहीं है कि क्या इसके अंदर मुश्किल है। पढ़े भी तो आपको समझ आ जाती है, मैं नहीं भी एक्सप्लेन करूं तो ये समझ नहीं किसी को आ रही नहीं है। खाफ इनाजी तो रबी आगा भाई ओम नाजीम, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सीधा तर्जुमा भी पढ़ लें तो अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहता मा तलौतुहु अलैकुम तो मैं ये पढ़ भी नहीं सकता था तुम पर, और ना मैं खबर दे सकता था तुमको इसकी। यानी ये तो अल्लाह ताला का ही हुक्म है, तुम्हें तुम पढ़ के ये सुना रहा हूं। तो मुझे आप ये नहीं तुम कह सकते कि ये क्यों हुक्म लेकर आए हो, इस तरह का क्यों कुरान है, इस तरह का क्यों है, इसको बदल दो इसको कर दो, हमारी मर्जी का करा के लेकर आओ करके लेकर आओ। तो मैं तो खुद बदल ही नहीं सकता, मैं तो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो ही मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं, और इसका बढ़ाने का भी सारा इख्तियार अल्लाह का है। इसका मतलब है जब तक अल्लाह ना चाहे कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता, ये बात ये आयत बताती है। इसलिए जब भी हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला कुरान का फहम दे, कुरान की तिलावत का तौफीक दे, तो अल्लाह से ही मांगे, क्योंकि यहां पे साफ है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो मैं तो पढ़ भी नहीं सकता इसको। कि हम मांगते हैं अल्लाह से ही कि अल्लाह ताला तो हमें इसका फहम भी देना, इसके ऊपर अमल की तौफीक भी देना, इसकी सही तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमाना। फ़कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, तो मैं तो ठहरा रहा तुम में एक उम्र तक इससे पहले, यानी मैंने एक जिंदगी तुम में गुजारी है। ये मैं खुद थोड़ी बना के ले आया हूं कि मैं खुद ही, ये खुद बनाया तो खुद चेंज कर लें, खुद जब बनाया ही नहीं तो खुद चेंज कैसे कर सकते, ये तो अल्लाह का कलाम है। तो मैंने तो तुमने एक जिंदगी गुजारी है, इसका कहने का यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का कि मैं 40 साल तक तुम्हारे अंदर रहा हूं। मैंने कोई बात आज तक ऐसी नहीं कही कि जैसे ये कुरान में बातें आ रही हैं, जो इसको गैब की खबरें बताना है, या जैसे कोई पिछली कौमों की खबरें बताना है, या जैसे कोई ऐसी ऐसी अमर और नहीं की बातें करना, ऐसी बातें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी। फिर यकदम आप करने लगे तो इसका मतलब यही है कि आप खुद नहीं बना के लेकर आए, और मैंने तुम्हें उम्र गुजारी है, तुम्हें मेरा पता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये भी माना है इसका कि कभी झूठ नहीं बोला, तुम खुद मुझे सादिक और अमीन कहते थे, तो मैं खुद कैसे बना के ला सकता हूं। यानी वो असल में ये समझते थे कि खुद ही तो बना के लाते तो बदल के ले आए ना। अल्लाह अकबर, अफला ताकिलून, क्या भला नहीं तुम अकल रखते, क्या तुम्हें समझ नहीं है इस बात की, तुम ये सोचो भी अगर तो मैं फिर कैसे ना। हाँ, और ये भी एक इसका मान है कि मैंने इतनी उम्र तुमने गुजारी, तुम देखो कि ना मैं किसी उस्ताद से पढ़ा हूं, ना मैंने किसी से कुछ सीखा है, ना मैं किसी मदरसे में गया हूं, फिर तुम कहते हो कि फिर ये आप खुद बना के ले आए, तो कैसे बना सकता हूं। अगर इंसान अकल इस्तेमाल करे तो कुछ समझ आ जाती। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, देखिए अब दोनों बातें कह दी,
फरमाया इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, यानी वो तो बहुत ही बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। अल्लाह पे झूठ बांधना क्या है कि अल्लाह ताला ने नहीं कोई बातें कही, खुद ही कलाम बना के लाके लोगों को दे दिया कि अल्लाह की वही आती है। जैसे कि मिर्जा कादियानी ने किया, उसने कहा मेरे ऊपर वही आती है। इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो घाड़ ले अल्लाह पे झूठ, कोई बात अल्लाह ने फरमाई नहीं है और अल्लाह ताला के ऊपर लगा दे कि ये उसका कलाम है, ये उसने फरमाया। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर रख के ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो इससे बड़ा तो जुल्म हो ही नहीं सकता, कोई इससे बड़ा तो कोई जालिम ही नहीं हो सकता, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूं। और कज़्ज़ब भी आया थी और अब उनके ऊपर बात है, या जो झुटलाए भी अल्लाह की आयतों को उससे भी बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता, यानी कि तुम हो फिर, तुम तो झुटलाते हो अल्लाह की आयतों, जो खुद बना के लेकर आ जाए घर के अल्लाह के ऊपर कोई झूठ बना के लाके अल्लाह के ऊपर बात लगा दे वो भी इतना बड़ा जालिम है कि उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, और जो इसको झुटला दे उससे भी बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक अल्लाह ताला फला नहीं देता मुजरिमों को, उनको कभी कामयाबी नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर झूठ बोला होता नऊजु बिल्ला, तो आपको कभी कामयाबी ना मिलती, आपके मिशन को ना कामयाबी मिलती अगर उनका झूठा दावा होता। तो देखें कि मुजरिमों को वाकई कोई फला नहीं मिली, उनका अंजाम फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उनका दुनिया के अंदर भी अंजाम बद दिखाया, बदर में देखें किस तरह से कत्ल हुए। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो ना नुकसान देते हैं और ना नफा देते हैं उनको। यानी देखो इनकी कैसी मत मारी हुई है ना कि ये इबादत करते हैं। अब आप कहें इबादत तो हम नहीं करते, लेकिन जब कोई मुसीबत ज्यादा बड़ी आती है तो फिर किसी मजार पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां मांगते हैं। हमारी आपके आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, यानी ये कहते हैं तो वो तो आपको कुछ भी नफा नुकसान नहीं दे सकते, वो तो कुछ नहीं है आपकी बात को जान सकते। अब देखिए ना, मिन दूने ला में ना हर एक चीज आ गई जो अल्लाह के सिवा है, किसी की भी, चाहे कोई फरिश्ता है, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई भी है, जिसकी भी बात आ गई, सबकी बात इसके अंदर है कि किसी की भी कोई इबादत करता है, किसी के आगे भी झुकता है, किसी की भी माथा टेकता है आगे, तो फरमाया कि वो नहीं उसको नफा नुकसान। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है, मिन दून अल्लाह कोई ऐसा नहीं है जो नफा या नुकसान पहुंचा सकता। ये फिर भी देखिए हम कितना डरते हैं, हम इसको नहीं खुश करेंगे तो फिर क्या होगा, हम फलाने के साथ नहीं ताबुन करेंगे तो क्या होगा, वो हमें ऐसा समझेगा फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर मेरा बिजनेस में मुझे कहीं ना लॉस हो जाए, कितनी बातें सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जो ना उनका नफा पहुंचा सकते ना नुकसान दे सकते, ये जा के उनकी इबादत करते, उनसे मांगते, उनके आगे माथा टेकते, देना तो अल्लाह नहीं है। आप देखे ना जैसे यहाँ पे आखरत की भी उस आया और ये शिर्क का भी आया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, हदीसे कुदसी है कि इब्ने आदम ने मेरी तकजीब की और उसको नहीं चाहिए कि वो मेरी तकजीब करे, और उसने मुझे गाली दी और उसको नहीं चाहिए कि वो मुझे गाली दे। तो अल्लाह ताला की तकजीब करना क्या है कि वो कहता है कि इसने मुझे अल्लाह के जिस तरह मुझे पहले पैदा किया तो दोबारा कोई नहीं मुझे पैदा कर सकता। झुटलाते थे ना आखरत को, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना मेरी तरफ ही तुम्हें लौटना है, जिस तरह मैंने पहली दफा पैदा किया इसी तरह तुम्हें दोबारा पैदा कर दूंगा। तो ये तकजीब करते हैं जिस वक्त ये अल्लाह की पावर को डिनाई करते हैं ना कि अल्लाह नहीं पैदा कर सकता हड्डियों को और इनको दोबारा। अच्छा, और उसको गाली देना क्या है कि कहते हैं कि उसकी औलाद है, फिर जाहिर है जो नाउज़ बिल्ला जब कह दिया अल्लाह की औलाद है फिर उसी की इबादत भी, फिर वो तो अल्लाह का जुज हो गया। फिर आज देखें आप के जो अल्लाह की औलाद बताते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को और कहते हैं कि अल्लाह के नऊज़ बिल्ला बेटे की पैदाइश हुई है आज के दिन और उसकी खुशी करते हैं, तो हम मुसलमान भी उनके साथ मिलके खुशियां मनाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम भी मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की तो नहीं है सेलिब्रेशन,
उनका अकीदा देखिए, वो कहते हैं ये खुदा का बेटा है जो आज पैदा हुआ है। नऊज़ु बिल्लाह, इतना बड़ा कलमा है कि आसमान इसको सुन ले ना तो गिर जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, इतना बड़ा शिरकिया कलमा है। और हमारी अकलों को अल्लाह जाने क्या हो गया कि जिसको वो दौलत की देवी समझते हैं, लक्ष्मी, उसकी पूजा के लिए दिवाली मनाते हैं तो हम उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, फिर क्या करें, वो इनसे भी हमारे मफाद है वाबस्ता ना, कि इनके साथ भी हमारा मफाद है, उनके साथ भी हमारा मफाद है, वहां से भी फायदा मिलता है, यहां से भी फायदा मिलता है, वो हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे हमारे हमारे साथ, वो हमें ये समझेंगे कि हम कोई बैकवर्ड लोग हैं, वो हमें एक्सट्रीमिस्ट ना समझ लें, वो तुम्हारा क्या नफा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हम हर दर पे झुकते हैं इसलिए क्योंकि हम हर दर पे समझते हैं यहां से हमें फायदा मिलना है या यहां से हमें नुकसान ना हो जाए। जब तौहीद का अकीदा आपका पक्का हो जाएगा ना, आप किसी से डरेंगे ही नहीं, आपको परवाह ही नहीं होगी, यू वॉन्ट इवन केयर कौन मुझसे राजी होता है और कौन नाराज होता है। जो आपकी जब ये स्ट्रांग होगी ना आपकी बेस तौहीद की, तब आपके लिए सर उठा के जीना पॉसिबल होगा। वरना आपका तौहीद का अकीदा जब इसमें खराबी हुई, यकीन करें आप सर उठा के कभी चल ही नहीं सकेंगे, जगह जगह सर झुकाएंगे आप। इंसान के अंदर ये इतना पुख्ता होना चाहिए कि उसको परवाह भी ना हो, परवाह भी ना हो, हक बात कहते हुए उसको डर ना लगे कि हाय ये ना मुझसे नाराज हो जाए, हाय ये इसको राजी रखो। ये क्या तौहीद है तुम्हारी? तौहीद कुरान से सीखो खुदा के लिए कि ला यदुरुहुम वला यंफाउहुम। पढ़ना तो बड़ा आसान है कुरान का, बार बार ये पढ़ते ही नहीं ये नुकसान दे सकते और नहीं ये फायदा तुम्हें दे सकते, क्यों नहीं समझते हो? तुम्हारी कोई रोजी रोटी के ऊपर लात नहीं मार सकता, तुम क्यों अपने फायदे या नुकसान के डर या उससे उसके लालच के अंदर तुम क्यों इनकी इनकी सेवा में लग गए हो कि इनको खुश कर दें? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, इबादत कोई नहीं भी कर रहा है लेकिन इस बात को समझ लें कि मिन दूनिल्लाह जो है ना, वो आपको वो कोई भी है, कोई भी है ना, वो आपका कोई नफा कर सकता ना नुकसान कर सकता। वो चाहे कोई जिन्नात है, चाहे शैतान है, चाहे वो गुमराह कुन फिरके हैं, चाहे कोई आपके एनिमीज हैं, चाहे वो और दूसरे मजहब के लोग हैं, चाहे कोई आपके घर में कोई आपके मुखालिफ है, खानदान में कोई ऐसे लोग हैं, कोई भी है, कम अज कम एक चीज को तो कुरान से सीख लो कि ये नहीं हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते और हमें कोई नफा नहीं दे सकते और मुझे नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से मिलना। आखिर क्या बात है कि हम इतना कुरान भी पढ़ लेते हैं लेकिन ये ही वीक रहता है हमारा, यहां पे हम आके मार खाते हैं और जहां पे हमें थोड़ा सा नहीं लगता, डर लगता है, फौरन आप वहां पे झुक जाओ, आप ना कुछ बात कहना, ये ना हो कि वो नाराज हो जाए। अल्लाहु अकबर। वयकूनुना हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह। ये बात है जो मैं आपको शुरू में कह रही थी, वो कहते नहीं नहीं हम इनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, आप ऐसे समझते हैं हम इनकी इबादत कर रहे हैं। तो हम इबादत कहां कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये हमारे सिफारशी होंगे अल्लाह के पास, हमारी इनके आगे इनकी अल्लाह के आगे है जी। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया जरा सुन ले, हर एक को हमने खुद ही सिफारशी बनाया हुआ, ये भी सिफारशी हो जाएगा फला, हर एरा गैरा उठा के सिफारशी बना के रख दिया। कुल कह दीजिए, अतुनब्बीउनल्लाह, तुम अब अल्लाह को बताओगे कौन उसके यहां सिफारिश करेगा, ये तुम बताओगे अल्लाह को, बीमा ला यालमु फिस्समावाति वला फिल अर्ज, जो नहीं वो जानता आसमान और जमीन में, आसमान और जमीन में इसकी कोई हकीकत नहीं, इस चीज का कोई वजूद नहीं, इस चीज की कोई दलील नहीं, तुम अब अल्लाह को बताओगे कि ये हैं वो हस्तियां जो तेरे आगे सिफारिश करेंगी, ये हैं वो बाबे या ये हैं वो जो भी कोई लोग हैं, ये हैं अल्लाह ताला चूज करेगा उस दिन या तुम बताओगे? सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला ने इसको शिर्क करार दिया ये कि ये हमारे सिफारशी होंगे, ये इनके आगे हम इसलिए झुकते हैं।
इनके आगे हम इसलिए मन्नतें मुरादें मांगते हैं, इनके आगे हम इसलिए देगे चढ़ाते हैं, इनके हम इसलिए चादरें चढ़ाते हैं, इनको हम इसलिए खुश करना चाहते हैं, इनके मिजार पे हम इसलिए लाइटें लगवाते हैं, हम यहाँ पे इसलिए आते हैं ये हमसे खुश हो जाएं, क्योंकि ये मुसलमान कहते हैं हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। जी बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि इंटरफेथ के नाम पे भी लोग ऐसा करते हैं कि जब इंटरफेथ की कॉन्फ्रेंस या इस तरह होती हैं तो ये किसी तरह खुश हो जाए। वो उनको खुश नहीं करना, आपने किसने आपको कहा कि आपने इनको मनवाना है, आपने सिर्फ पहुंचाना है। आपका काम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप बलाग बल्लग, नबी आप बस पहुंचा दे, बल्लग बस पहुंचाना आपका काम था। इसके अलावा किससे मनवाना आपका काम नहीं है, लेकिन हम इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इतना झुकते हैं, इतने अपनी बातें ही छोड़ देते हैं कि नहीं 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 ये भी कर लें तो आप ठीक है, वो भी कर लें तो आप। भाई क्यों? आप अपने मौकफ के ऊपर स्टैंड लें, आप उसके ऊपर स्ट्रांग होने चाहिए। हम कहते हैं ना सारे ठीक है, इस तरह शायद पता नहीं दूसरा हमसे कितना खुश हो जाएगा, सब ठीक है। वो अगर सब ठीक है तो फिर आपका क्या दुरा इम्तियाज रहा, फिर आपकी क्या स्पेशलिटी है, आपके दीन को क्यों एम्ब्रेस करे कोई? भाई खुद आप मुझे बताए ना, आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी सारे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कौन कहता है कि जुल्म करो, कौन कहता है किसी को कत्लो वारत करो, कौन कहता है किसी को मारो? कोई भी नहीं कहता, सारे ही अधियान कहते हैं कि नहीं अच्छे ही बन करो। कोई दीन नहीं कहेगा झूठ बोला करो, बेईमानी करो, चोर बाजारी करो, करप्शन करो, कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता, सब कहते हैं ये सारी अखलाकियात की बातें, सब अच्छी अच्छी सब बताते हैं। कोई नहीं कहता दुनिया के अंदर दिल लगाओ, ये भी नहीं कोई कहता। सब कहते हैं कि नहीं नहीं भी दूसरों की हमदर्दी करें, आपकी कौन सी ऐसी बताएं फिर बड़ी खास बात है कि कोई आपका दीन कबूल करे? कौन सा ट्रूथ है जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है, ये बताएं ना उनको। ये इससे फिर हम जी चुराते हैं, कहते नहीं सारी ठीक है, नहीं आप भी खुदा को मानते ना, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी मानते, आप भी बहुत अच्छे, आपकी ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छी है, आप भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको भी इसकी मुबारक हो। दिस इज एक्सेप्टिंग देम, जबकि हम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हर तरह की हमदर्दी भी है, तुम बीमार होगे हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे को जरूरत होगी हम पूरी करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छी तरह बात करेंगे, अच्छा सलूक भी करेंगे, लेकिन जहां दीन की बात आ जाएगी, अल्लाह ताला ने आगे आप पढ़ेंगे ना इसी कुरान में आ जाएगा कि वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इनकी ये जो तुमसे चिकनी चुपड़ी फिसलाने की बात करते हैं ए नबी, नहीं इन पे नहीं फिसलना। तुमने कहा था आप आके एक दफा हमारे बुतों के आगे खड़े हो जाएं, हम आपके दीन मान लेंगे, एक दफा आप कह दें कि आपने इनको मान लिया। नहीं, मोमिन ये कर ही नहीं सकता, लेकिन हमारे अंदर ना ये चीजें अब रही नहीं। हम अच्छे बनना चाहते हैं, अपने फेस अच्छा रखना चाहते हैं, अपने दीन से ज्यादा हमें अपना फेस प्यारा है कि हम अच्छे बने रहे लोगों के सामने, और उसके लिए हम हर तरह से चाहते हैं कि वो खुश हों कि हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे और आप बिल्कुल ठीक हैं। हत्ता कि आप ये इसकी देवी की भी पूजा करते हैं ना तो वो भी आपका ठीक है। ये कौन सा दीन है, किस दीन ने आपको ये सिखाया? इस्लाम तो ये नहीं है। ना क्या नन्ना सुल्ला उम्मत वाहिदत, और नहीं थे लोग मगर एक ही उम्मत थे, शुरू में सब एक थे। कोई ये ना कहे कि नहीं तो हम तो शुरू से जानते हैं कि इस तरह से हमें तो यही बताया गया कि ऐसे होता है, हमें तो यही कहा गया। नहीं, शुरू से ऐसा नहीं था, शुरू से सब एक ही दीन पे थे। फख्तलफू, बाद में इख्तलाफ हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक सब एक दीन पे थे। वलो कलिमत सबकत मिन रब्बिक लकुदिया बैनहुम, और अगर एक बात ना होती जो गुजर गई तेरे रब की तरफ से तो हम फैसला कर देते इनके दरमियान। फीमा फी इख्तलिफून, इसमें जो ये इख्तलाफ करते हैं, अगर एक बात, कौन सी है एक बात जो गुजर ना गई होती जिसका अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अगर ये ना हो चुका होता फैसला तो हम अभी खड़े खड़े इनका दुनिया में ही फैसला कर देते। वो ये बात है जो कलिमत उन सबकत है, वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि मैंने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया और आखरत को जजा या सजा की जगह बनाया। इस दुनिया में फैसले नहीं, आखरत में फैसले करने हैं अल्लाह ने। ये बात अल्लाह ताला ने तय कर दी हुई है, दुनिया दारुल अमल, आखरत दारुल जजा है।
अगर ये बात ना अल्लाह ने पहले से तय कर दी होती तो दुनिया में इनको बता दिया जाता, यहीं पे फैसले कर दिए जाते। ये जो यहाँ पे फैसले नहीं हो रहे, यहाँ पे जो गलत है उसको छुट्टी मिली भी और वो दंदनाता फिरता है, और जो सही है वो बेचारे पिस रहे हैं, और जो बातिल अकीदे और बातिल मजाहिब हैं वो टॉप पे जा रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं पता नहीं अगर ये गलत होते तो फिर इनको कुछ हो जाता, फिर ये कैसे इतने पनप रहे हैं, फिर दुनिया में कैसे इतने फ्लरिश कर रहे हैं। ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे फैसले नहीं करने, इस वजह से। ये ना समझो कि पता नहीं कोई फैसला होना ही नहीं है, ये इसको फैसला ना समझो कि वो ऊपर जा रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी दी है। यहाँ पे जो भी कर रहे कोई करता, फिर फैसले का तो एक और दिन है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ। अगर वो दिन ना रखा होता तो अल्लाह यहीं पे खड़े खड़े फैसला कर देता सबका। वयकुलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, अब वो कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई इस पर कोई भी निशानी, कोई तो मौजज़ा आता इसके रब की तरफ से। चलो ये सफा पहाड़ी सोने का बना दो, चलो और हमारे लिए कुछ नहीं तो तुम अपने लिए ही कुछ कर देते कि तुम्हारे साथ फरिश्ते चलते, जो बाजारों में इधर उधर हर जगह तुम जाते तो तुम्हारी सदाकत की तस्दीक करते, तो तुम अपने लिए ही कुछ कर लेते, तो ये फिर क्यों ऐसे है कि तुम्हारे पर क्या कोई मौजज़ा नहीं उतरा। फकुल, तो आप कह दीजिए ऐ नबी, आप इनको कह दें इन्नमल गैबु लिल्लाह, कि गैब अल्लाह के लिए, मुझे क्या पता कि क्यों नहीं कौन सा मौजज़ा उतरना है। आपको पता है कि सफा पहाड़ी को सोने का बनाने के लिए आपने दुआएं की थी और फिर क्या जवाब मिला था पिछली दफा, हम ये सुन चुके हैं। तो आप फरमा दे ऐ नबी कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, गैब अल्लाह को मालूम है, क्यों नहीं आ रहा मौजज़ा, कब आएगा मौजज़ा, आएगा कि नहीं आएगा। फंतज़िरु, बस फिर इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। ठीक है, मौजज़े का इंतजार करना है तो तुमने अगर ईमान लाने के लिए, जिसको ये सारी दुनिया की आयात कायनात की नहीं नजर आ रही, कुरान की भी नहीं नजर आ रही, वो कुछ और ही मौजज़ा चाहता है, तो ठीक है फिर तुम भी बैठे रहो इंतजार करते रहो, हम भी इंतजार करते रहते हैं। तो बहुत स्ट्रोंग आयात हैं, बहुत जबरदस्त आयात हैं तौहीद के ऊपर, और आपने देखा कि कितने दलाइल के साथ बात की गई है और कितनी अक्ल को अपील करने वाली बात की गई है। इसलिए जब आप भी तबलीग करें तो इन्हीं आयत, बेशक आप कहें नहीं कि मैं कुरान से बता रही हूं, लेकिन आप इन्हीं का मैसेज लेकर आगे बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। फिर अल्लाह ताला हमें तौहीद पे रासिख कर दे और अपने सही दीन पर हमेशा चलने की तौफीक अता फरमाए मरते दम तक। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। जी, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, पहले भी मैं ये बात बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे थैंक्स गिविंग की एक ब्रेक आती है, और 26 नवंबर 26 नवंबर को है, जिसकी वजह से हमारी क्लास इंशाल्लाह जो 26 नवंबर वाली होगी वो 24th को होगी, तो इस चीज़ को सब लोग नोट कर लीजिए। दूसरे, ये जो लोग हमारे फ़ोन पे लेक्चर सुनते हैं, फ्राइडे की क्लास सुनते हैं, वो लोग नया फ़ोन का नंबर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम से फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है, जिसमें हमारा नहीं है कुछ, ये पीछे से ही जो भी वो लोग चेंजिंग करते हैं, तो काइंडली इस नंबर को नोट कर लीजिए 6677701476, और कोड वही है जो पहले था। ठीक है, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इसी तरह हमारी इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश की जो क्लास शुरू हो रही है, इंग्लिश का कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो इस संडे से शुरू हो रहा है ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 5 बजे। आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं तो अपना आप टाइम नोट कर लीजिए कि किस वक्त हो रहा है। जो लोग बच्चों को या यंगस्टर्स को करना चाहते हैं कि वो लोग सुने, तो इंशाल्लाह सुन सभी सकते हैं, ठीक है, तो कोई उसमें पाबंदी नहीं, सब लोग सुन सकते हैं वो। ये जो लोग ATQ में एडवांस तालीमुल कुरान के कोर्स में हैं, तो उनको प्लीज़ मैं
ज़रूर कहती हूँ अपनी असाइनमेंट्स और अपने टेस्ट को टाइमली दें, क्योंकि जैसे जैसे पारे ज़्यादा आगे होते जाएंगे उनके लिए और मुश्किल होता जाएगा। तो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके 17th तक लास्ट डे है, तो आप लोग सबमिट कराएं। हमारी एक सिस्टर हैं क्लास में, उनकी बेटी के कुछ टेस्ट सही नहीं आए, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो जो सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनकी बेटी को शिफाए कामला अजला दे। जो भी उनके टेस्ट सही नहीं आए, अल्लाह ताला करे कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि परेशानी का बायस हो उनके लिए। हमारी सिस्टर अमरीन की दुआएं, उनकी मदर इन लॉ का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी आखरत की तमाम मंजिलों को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे तमाम शुदगान की बख्शिश फरमा दे और उनके कब्रों को कुशादा बना दे और नूर से मुनव्वर फरमा दे। जी, तो सवालात की तरफ आते हैं। जी, और भी कुछ लोगों ने दुआ के लिए कहा, वह अल्लाह ताला तमाम हम सब में से भी जो कोई बीमार है उनको भी, और हमारे प्यारों में से ख़ास तौर पे बहुत से लोगों की वालदा बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम को शिफाए कामला अजला अता फरमाए और वालदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे और उनको जब तक उनकी ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती के साथ रखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारे उस्ताज़ा, आई लव यू सो मच फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे और अल्लाह ताला आप को अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे स्कूल में मनाना कैसा है? मैं आज गई थी बेटे के स्कूल, वहाँ नाच गाना प्रोग्राम चल रहा था, बस आपकी बातें याद आ रही थी। मैं यहाँ बैठकर इनके साथ साथ दे रही हूँ। मैं उठ गई वापस जाने, मेरे बेटा रोक रहा था, उस पर भी आपकी बात याद आई। औलाद के आगे ना झुकें गलत पर। मैं उसी वक्त घर वापस आ गई। माशाल्लाह, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि ऐसी कोई भी मजलिस हो जहाँ पे अल्लाह ताला की आयात के मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, तो उस मजलिस में अगर बैठेंगे तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, फिर उसी में लिखे जाते हैं। और उस वहीं पे अगर मौत आ गई तो सोचें कि किस मजलिस से में इंसान को मौत आए। लिहाजा ऐसी तमाम जगहों से परहेज करना चाहिए। और देखें, कोई भी दिन बुरा नहीं होता, और ना ही कोई चीज़, अगर कोई मसला नहीं कि कोई बच्चों का दिन है, स्कूल का दिन है, टीचर का दिन है, किसी का दिन है, कुछ दिन नहीं बुरे होते। असल में जो हम उनमें काम करते हैं ना, वो बुरे होते हैं। अब इस तरह तो कोई चिल्ड्रन डे है, कोई बुक डे है, कोई कंप्यूटर डे बना लें आप, कोई हाउस डे, कोई जॉब डे, कोई बिजनेस डे, मतलब अब डेज के ऊपर आ गए हैं। लोगों के हालात ये हो गए हैं कि कोई चीज़ की तरफ तवज्जो देनी ही नहीं जब तक उसका डे ना मनाया जाए। कोई माँ का दिन है तो कोई बाप का दिन है तो कोई किसी का दिन है, तो अब बच्चों का दिन भी हो गया। तो ये तो चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, और हमने इन चीज़ों के नाम पर और पता नहीं क्या क्या खुराफात शुरू कर दी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। उस मेजर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला दे। अल्लाह ताला इस सर्जरी में कामयाबी दे और शिफा डाल दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। प्यारी उस्ताज़ा एंड द टीम, वाहिया की खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव स्टार्टेड सूरह यूनुस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे इस इल्म को आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बर्थडे मनाना क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि बस हम सिर्फ घर में ही बच्चों की खुशी मनाते हैं। देखिए, मैंने इसको हमेशा ये कहा है कि ना तो इसके ऊपर कोई हराम का फतवा दिया जा सकता है, ना ये कहा जा सकता है कि बड़ी कोई हलाल चीज़ है, मतलब लेकिन कोई ऐसी पसंदीदा चीज़ भी नहीं है कि आप ये मनाने के लिए शुरू कर दें। मगर अगर हराम कहें तो हराम के लफ्ज को कहने में बड़ा इंसान को मोहतात होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई दलील लानी चाहिए। हाँ, जो वो कहते हैं कि देखें ये एक काफरों का एक तरीका है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम बर्थडे मना के उनकी कॉपी करें। वालेकुम अस्सलाम, आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह
Reward you for all your effort. Ameen. Ameen, Ya Rab. And remove all the calamity for you and your families. Ameen, Ya Rab. Ustaz, I am not sure I might go Houston in mid-December. Is there any chance I can meet you just for a few minutes? Ji, inshallah, utala. Jo bhi mujhse milna chahe, to always welcome. Inshallah. Koi aisa masla nahi hai. Walaikum assalam rahmatullah. उस्ताजा अल्लाह आपके वक्त में बरकत दे, आमीन। और इसी तरह आप हमें सिखाती रहें। और मुझे पूछना था कि मेरी अम्मी ट्रैवलिंग करने वाली हैं इंडिया, और उनकी 4 नमाजें फ़्लाइट में होंगी, उनकी ब्रिटिश फ़्लाइट है, तो वो कैसे नमाज अदा करें? देखें, ऐसे कर सकती हैं वो कि मसलन उनकी 4 नमाजें, अब मुझे पता नहीं है कौन सी जमा कर सकती हैं, तो जमा कर लें। अक्सर ऐसे होता है ना कि आपकी फ़्लाइट कहीं ट्रांजिट भी होता है, तो जब एयरपोर्ट पे उतरें तो वहाँ पे पढ़ सकती हैं 2 नमाजें जमा की, मसलन जोहर असर जमा कर सकते हैं, मगरिब इशा जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस है कि कोई मतलब रास्ता नहीं है, कुछ भी जमा करने का भी कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं, तो फिर आप फ़्लाइट में ही पढ़ लें। फिर वो तो ऐसी एक हालत है जो मतलब एक्सेप्शनल केस है, जो इस्तरारी हालत है, आप क्या कर सकते हैं उसका, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। वरना तो आपको उतर के या चढ़ने से पहले तो जो 2 नमाजें मिला सकते हैं उनको मिला लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। लेकिन वहाँ पे उनको जहाज़ में भी नमाज माफ़ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे जहाज़ में जाते हैं तो सोचते हैं अब नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मिसाल के तौर पे है, किसी औरत की मसलन है कि पेन्स शुरू हो गई हैं, उसकी डिलीवरी का टाइम करीब है, तो वो सोचते हैं अब नमाज माफ़ी हो गई, अभी से ही माफ़ हो गई है। तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे मौके पे ना हमें भूल ही जाता है कि नमाज भी पढ़नी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारी उस्ताजा, मेरा सवाल है कि अस्सलाम सुनना है कि जो मुझे समझ नहीं, सुना है कि जो सोना पहने हो जिस्म पर वो खुद हम होते, मुझे समझ नहीं आ रहे, उस पर ज़कात नहीं लगती। अच्छा, मेरे ख्याल आपका मतलब है कि जो सोना पहना हुआ है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। इमाम अबू हनीफा का इसमें इख्तलाफ है, वो कहते हैं उसके ऊपर भी ज़कात है, बाकी आइम्मा कहते हैं कि उस पर ज़कात नहीं है। मैंने आपको आइम्मा की राय बता दी, बाकी आप खुद देख लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्तादा जी, व्हेन समवन इज़ गोइंग टू मदीना, आई हैव हर्ड अबाउट सेइंग गिव आवर सलाम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ दिस करेक्ट टू से? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। आप दरूद यहाँ से भेजें, जब आप वहाँ जाते हैं तो उनको सलाम करेंगे, जब उनकी कब्र मुबारक पे जाएंगे। माई डॉटर मैरिड टू अ रिवर्ट, शी सेलिब्रेट्स हॉलीडेज विद हर हस्बैंड फैमिलीज, क्रिसमस मीन शी इज देयर विद देम, इट्स हार्ड मी इट्स I mean, but she said we are just celebrating Prophet Isa's birthday. But you have good point that they believe is God's son. जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, हम उनकी उन सेलिब्रेशन को भी हम मना लें, उनके साथ भी हम मिलके उनको उनको भी मुबारक दें, यानी एक तरह से हमने इस चीज को मान लिया ना, फिर हमने एक्सेप्ट किया इसको, तभी हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं उस बंदे को, या उसके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, या वर्स तो ये कि अपने घर में भी क्रिसमस ट्री रख लेते हैं। तो हमने उस जो भी उनका जो उनकी सेलिब्रेशन है उसको एक्सेप्ट किया ना। अब उसको एक्सेप्ट करने के बाद पॉइंट फिर क्या रह गया, मुझे बताएं, फिर क्या रह गया इस चीज का कि हम तो तौहीद के कायल और आप तो गलत हैं और आपका अकीदा गलत है, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क इफ यू डोंट रिसाइट कुरान विद तजवीद, इज इट सिन? इजार तिलात से देखें, तजवीद के साथ पढ़ने की आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। वैसे बाज़ लोग बूढ़े हो जाते हैं एक खास तरह से पढ़ के, अब उनसे सही नहीं हो रहा, वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है और अल्लाह का उनके साथ मामला है। लेकिन जानबूझ के ये बस सीखना ही ना और कहना कि नहीं ठीक है, ये कौन सा कोई गुनाह है तो हम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी तरह से कोशिश जरूर करनी चाहिए। बट कुछ लोग कोई लेटर अदा ही नहीं कर सकते, तो वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला जानता है कि जैसे उनकी जुबान या इस तरह बनी हुई है तो नहीं वो कर, वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिए। प्यारे उस्ताजा, अल्लाह पाक आपको सेहत और आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब, आमीन। आपको भी प्यारे उस्ताजा, अगर कोई अल्लाह के बारे में पूछे कि अल्लाह क्या है, तो हम सूरह इखलास से जवाब दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं।
उसमें अल्लाह ताला का मुकम्मल तारुफ है। देखिए ये जो जितनी आपने आज भी आयतें पढ़ी ना, ये भी अल्लाह ताला का तारुफ है, वो भी अल्लाह का तारुफ है, ये सब अल्लाह ताला के तारुफ है। मैंने आपको बताया ना कि तौहीद पूरी कुरान में तौहीद तो है। आप मुख्तसर करना चाहें तो सूरह इखलास से बता सकते हैं जी। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह उस्तादा, ये जो लोग दरबारों पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं और मन्नतें मांगते हैं, ये सही है क्या? आज का लेक्चर आपने सुना है सिस्टर, सुना है? आज के लेक्चर में आपकी बात का जवाब है। अगर आपने सुना है तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब मेरे आप बताने ही मैं उतना शायद नहीं बता सकूं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारे उस्तादा, प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी, व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू मैनेज टाइम इन दिस बिजी लाइफ, अबाउट योर फैमिली, गिव अस सम टिप्स टू मोटिवेट। देखिए ऐसे मैं कि हमेशा ही आप लोगों को कहती रहती हूँ कि देखें, फैमिली जैसे आपकी है उसी तरह मेरी है, जो काम आपने करने हैं उसी तरह मैंने भी करने हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, सफाई हो, बर्तन धोने हो, कोई भी चीज़ है, मैं और आप कोई इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं इसी तरह मेरे भी बच्चे हैं, और जैसे आपको चैलेंजेस हैं उसी तरह मुझे भी चैलेंजेस हैं, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने में इंसान का एज सच, वो जो आप समझते हैं ना कि कोई शायद कोई सुपर नेचुरल, कोई इनके पास कोई कोई मंतक है या कोई तरीका है या कोई वजीफा है जिससे हो जाता है, वो बात नहीं है। बात ये अपने एंड पे एक बात है, वो ये कि चीजों की प्रायोरिटीज, कौन सी चीज टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। जब प्रायोरिटीज है ना चीजों की, कि सबसे ऊपर ये है, इस चीज में तो कोई कमी होनी ही नहीं है चाहे जो भी है, सेकंड पे ये है, इसमें इससे कम, उससे इससे कम, फिर कुछ चीजें उससे नीचे चली जाती हैं, वो उनमें कमी रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब उनमें कमियां रहती हैं, जाहिर ही बात है, इंसान है, उसके पास 24 आवर्स ही हैं, कहीं कोई बहुत कोने खुदरों में जाके सफाइयां करना या कोई बहुत टाइमली सारी चीजों को समेट के रख लेना या कोई बड़े अच्छे कपड़े इस्त्री करके रख लेना, यहाँ पे कमियां हैं और कमियां रहती ही हैं। और वो जब उनका टाइम आता है तो उन चीजों को उस वक्त ही किया जाता है। अब मैं लेके अगर वो चीज सबसे ऊपर रख लूं, उनको कहूँ कि नहीं ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए और बाकी चीजें बाद में हो सकती हैं, तो वहां पे फिर मसले होते हैं कि फिर जो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो पीछे रह जाती है और फजूल के और फालतू काम जो हैं वो हमारे होते रहते हैं। तो हमने इम्पोर्टेंस के लिहाज से कामों को करना और अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला जब बरकत दे देगा दिन में तो सारे ही काम हो जाएंगे, और अगर बरकत उठ जाएगी तो सारा दिन, चाहे आप ये कुरान नहीं भी पढ़ रहे हो, सारा दिन ही नहीं काम खत्म होने। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारी उस्ताजा, आजकल हम सब के लिए भी दीन पर चलना आसान नहीं, हमारे लिए इस्तकामत की दुआ फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को, मुझ समेत हम सब को इस्तकामत अता फरमाए, मरते दम तक इस दीन पे रखे, हमारे खानदानों का भी, और खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन या रब। वाइया की खैरन कसीरा, वाइया की खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग फॉर इंग्लिश नंबर? वेबसाइट पे इंशाल्लाह आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, माय बेस्ट टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अगर आपको मेरे से कोई बात से फ़ायदा पहुँचता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई गलतियां इसके अंदर होती हैं या मैं बात समझाने में उतना नहीं अच्छी तरह कर पाती तो मेरी कमी समझ लें आप, कमी समझ के आप माफ़ कर दें, ये तो कुरान है, इसका तो हक अदा नहीं हो सकता। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हम कोविड से इतना डर रहे हैं और शिर्क का वायरस कैसे हमारे अतराफ में फैला हुआ है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल हमें उसकी तो फिक्र है, लेकिन ये जो शिर्क में लोग डूबे हुए हैं इसका अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। शिर्क भी आज वो शिर्क आ चुका है जो कि शायद कभी भी नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि मुशरिक ने मक्का से भी बदतर आज शिर्क है, क्योंकि आज का शिर्क शैतानी पूजा
खुले आम हो रही है, खुले आम। इतनी बुलंदो बांग शैतान की पूजा पहले कभी नहीं हुई थी। और शायद जो लोग जो न्यूज़ को जानते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उनको पता ही होगा मेरा किस तरफ इशारा है और क्या हुआ है पिछले दिनों। ह्यूस्टन में ये कॉन्सर्ट हुआ और वहाँ पे 8 लोग दुनिया से चले गए, और क्या मैसेजेस थे वहाँ पे और किस किस्म का किस चीज़ों को प्रोमोट किया गया। हर वक्त अपना एहतसाब की ज़रूरत है। आपका लेक्चर टॉनिक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको टॉनिक बनाए रखे हम सब के लिए और हमें जगाने का ज़रिया बनाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डियर उस्तादा, जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा। फ्यू वीक्स अगो आई टोल्ड यू दैट 4 किड्स वर किडनैप्ड इन साउथ अफ्रीका। अल्हम्दुलिल्लाह, दे केम होम सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 शुक्र है अल्लाह का। प्यारी उस्ताजा, लव यू सो मच फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे। जज़ाकल्लाह खैर माय डियर उस्ताजा, लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाए और आप सबको अपने अर्श का साया मुझ समेत हम सबको अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताजा, आई हैव अ लिटिल कन्फ्यूजन अबाउट द वे ऑफ प्रेइंग असर बिफोर सनसेट इन केस वी कांट प्रे ऑन टाइम। इज इट जस्ट 1 रक्का वी शुड ऑफर और कंप्लीट 4? नहीं, 4 रकात ही आपने पढ़नी है। यानी आपका, मैं जो समझी हूँ, आप ये सवाल कर रही हैं कि अगर सूरज गरूब होने लगा है तो लेट हो गई है नमाज असर की, तो क्या हम 1 रकात पढ़ें? नहीं, वो ये बात यह कि आपने 1 रकात भी अपनी टाइम में पढ़ ली ना, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी नमाज हो गई, ठीक है। तो लेकिन आपने पढ़नी पूरी ही है जी। इंग्लिश की रिकॉर्डिंग कोर्स की वेबसाइट पे होगी। इन पाकिस्तान दे हैव स्टार्टेड ब्लैक फ्राइडे सेल। बस अल्लाह ही रहम करे, जिसको ये ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, इन्होंने ब्लैक लोगों के साथ क्या किया और किस तरह के उनके ऊपर जुल्म सितम हुए। मेरे पास एक पूरी इसकी पिक्चर्स के साथ वो आई थी, और मैं यानी स्लेव्स को बेचा करते थे इस दिन, ब्लैक्स को बेचा करते थे, तो ब्लैक फ्राइडे उससे बनाया। और अब बस हमारी मत मारी जब जाए ना, तो फिर यही काम होते हैं कि वो गो के बिल में भी घुसेंगे तो हम उसमें भी उनके पीछे जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर दुआ फॉर माई मदर। आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू दुआ फॉर माई इस्तकामत। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। आपकी वालदा समेत सबकी, सबके वालदैन को अपनी आफियत में रखे, और आपकी भी और भी जिनकी वालदा बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा एक आम लाज लाते। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्तादा, माय मॉम ऑलवेज आस्क मी व्हाई डिड अल्लाह सुभाना ताला क्रिएट अस एंड ब्रिंग अस इन लाइफ। आई रिप्लाई, सो वी कैन डू हिज इबादा। शी सेज वाजंट द एंजल्स इनफ फॉर दैट। ये तो एंजल्स ने भी कहा था ये तो एंजल्स ने भी कहा था जी, बिल्कुल। जहां पे एंजल्स ने ये कहा था ना सूरह बकरा में, उसका मैंने जवाब वहीं पे दिया, और आपको मजा आएगा वो जवाब सुन के। आप वहां पे जाएं पहले पारे में, आयत नंबर किसी के सामने कुरान है तो बता दे। इसका अल्लाह रब्बु कलिल मलाइका तीनी जाए फिल अर्दी खलीफा, वो वली आयत है, ठीक है। तो वो आप उसमें आंसर देख लें, तफसील से आंसर है उसमें, और अपनी अम्मी को भी सुना दें। सादा मुस्लिम फैन वी इनवाइटेड मी इन थैंक्सगिविंग डे, शी इज कुकिंग टर्की, शुड आई एक्सेप्ट द इनविटेशन? कोई मसला नहीं है। आप अगर कोई किसी का कौमी त्यौहार है तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। बस देन ब्लैक फ्राइडे डियर सिस्टर बीना, दे सेलिब्रेट हालोवीन जस्ट लाइक नॉन मुस्लिम। बस अल्लाह ताला हमें समझ दे। नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी का इन्वाइट करें तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।